John! <laughs> आयरलैंड के पश्चिम में एक ऐसा जंगल है जो किसी भी मानचित्र पर दिखाई नहीं देता कहानियां कहती हैं कि यह खोए हुए लोगों को लुभाता है और उन्हें कभी जाने नहीं देता जॉन इस समय इसमें भाग रहा है रात होने से पहले बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है उसकी घड़ी बंद हो गई है और वह बार बार उसी स्थान पर आ रहा है उन अनेक चिन्हों का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है जिन पर अलग अलग संख्याओं के साथ वापस न आने का बिंदु लिखा हुआ है अचानक पक्षियों का एक झुंड जॉन के ऊपर से उड़ता है क्योंकि उसे पता चलता है कि रात हो चुकी है इसलिए वह छिपने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है दुर्भाग्य से शाखा टूट जाती है और वह गिर जाता है डरा हुआ जॉन चाकू के लिए अपने बैग में जाता है लेकिन एक रहस्यमय प्राणी प्रकट होता है और इससे पहले कि वह अपना बचाव कर पाता वह उसे खींच कर ले जाता है इस बीच शहर में अमेरिकी आप्रवासी और कलाकार मीना एक पालतू जानवर की दुकान पर काम करती है एक दोपहर उसके बॉस ने उसे एक पक्षी से मिलवाया जिसे दूसरे शहर के चिड़ियाघर में ले जाना चाहिए और उसे यात्रा करने के लिए कहा घर ले जाने से पहले मीना ने पक्षी का नाम दाविन रखा वह उसे बताती है कि आज उसकी माँ की मृत्यु की पंद्रहवीं साल गिरह है इसलिए आज रात वह भूलने के लिए बाहर जा रही होगी वह विघ लगाती है और लोगों से मिलने के लिए नकली नाम और नकली नौकरी के साथ बार में जाती है अगली सुबह वह डाविन से उसे जज न करने के लिए कहती है और समझाती है कि उसे ड्रेस अप खेलना पसंद है क्योंकि असली वह पसंद करने योग्य नहीं है वह डिलीवरी करने के लिए अपनी कार में शहर छोड़ती है ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरती है और केवल गैस के लिए रुकती है यात्रा के दौरान उसे अपनी जुड़वा बहन का फोन आता है लेकिन मीना नहीं उठाती और इसके बजाय ध्वनि मेल सुनती है उसकी बहन मीना को अपनी मां के स्मारक पर न जाने के लिए बुलाती है और कहती है कि पंद्रह साल हो गए हैं इसलिए मीना को अपने परिवार से बचना बंद कर देना चाहिए वॉइसमेल को भी नज़रअंदाज करते हुए मीना जंगल के पास दर्जनों लापता लोगों के संकेतों पर ध्यान दिए बिना ही वहां से चली जाती है कुछ क्षण बाद मीना जंगल पार कर रही है और इस क्षेत्र को नहीं पहचानती है कार खराब होने से ठीक पहले उसका फोन और कार रेडियो खराब होने लगते हैं जिससे मीना फंस जाती है वह वाहन से बाहर निकलती है और उसे प्वाइंट ऑफ नो रिटर्न का संकेत मिलता है जिससे उसे लगता है कि पास में कोई रहता है मीना अपना बैग और डाविन को लेने के लिए कार में लौटती है फिर वह मदद के लिए पुकारते हुए भटकने लगती है कुछ नहीं होता और मीना वापस जाने का फैसला करती है लेकिन जब वह मुड़ती है तो कार जा चुकी होती है अब उसके पास बाहर निकलने के लिए भटकते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है जब रात होती है पक्षियों का एक झुंड अचानक उसके ऊपर से उड़ता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और तभी उसकी नज़र पास में दौड़ती हुई एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है हताश मीना उसके पीछे दौड़ने लगती है और उसे एक इमारत में प्रवेश करते हुए देखती है जहां महिला उसे कहती है कि अगर वह जीवित रहना चाहती है तो वह तुरंत अंदर चली जाए मीना बिल्कुल वैसा ही करती है और अंदर दो और लोगों को खोजती है बूढ़ी औरत का कहना है कि उसका नाम मेडिलिन है और अन्य का नाम सियारा और डैनियल है वे इस इमारत को द कॉप कहते हैं और वे जंगल में भी खो गए थे इसलिए अब वे वहां छिपते हैं समूह मीना को एक दर्पण वाली खिड़की के पास खींचता है क्योंकि मैडलिन समझाती है कि बाहर के प्राणियों को वॉचर्स कहा जाता है वे हर रात उन्हें खिड़की से देखने आते हैं और सूर्यास्त तक चले जाते हैं मेडलिन मीना को एक कदम आगे ले जाती है और दर्शकों को शो में स्वागत के रूप में ताली बजाते हुए सुना जा सकता है इसके बाद मीना बैठ जाती है और अपनी माँ के बारे में सोचते हुए शीशे वाली खिड़की की ओर देखती है सुबह में दूसरों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए मीना मुर्गी घर से निकल जाती है जैसे ही वह जंगल में घूम रही थी उसने अपने नाम के बारे में फुसफुसाहट सुनी और दूर से एक लड़की को देखा जो उससे पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया भयभीत होकर मीना दौड़ना शुरू कर देती है और एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है जहां उसे पता चलता है कि वह एक विशाल जंगल के बीच में है जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है जब मीना वापस आती है मैदलिन उसे बताती है कि उन सभी ने जाने की कोशिश की है लेकिन कोई नहीं जा सका जंगल मतिभ्रम का कारण बनता है और किसी व्यक्ति को पागल कर सकता है संकेत कॉप से आधे दिन की यात्रा के आसपास एक घेरे में रखे गए स्थल चिन्ह है और वे एक सीमा के रूप में काम करते हैं रेखा पार करने का अर्थ है कभी वापस न आना ये चिन्ह प्रोफेसर नामक किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे मीना के पास दूसरों के साथ कॉप में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है शाम को डेनियल शो में मीना की वापसी की घोषणा करने के लिए भाषण देता है और सियारा वॉचेस के लिए नृत्य करने के लिए कुछ संगीत बजाती है उन्हें एक रियलिटी शो की कुछ डीवीडी मिली है इसलिए बॉक्स के पीछे प्रोफेसर का नाम देखकर मीना उससे अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती है अगली सुबह समूह भोजन की तलाश में निकलता है और सियारा मीना को औषधीय पौधों को पहचानना सिखाती है सियारा बताती है कि डैनियल को अक्सर सिरदर्द होता है और जॉन के अनुसार उसे सियारा पसंद है जॉन सियारा का पति है और छह दिन पहले चला गया था लेकिन तब से उन्होंने उसका कोई पता नहीं लगाया सियारा मेडिलिन के सिद्धांत को भी साझा करती है जो कहती है कि, कि किसी दर्शक को देखना किसी को पागल कर सकता है फिर वह मीना को एक बिल दिखाती है और समझाती है कि पूरे जंगल में उनका एक झुंड है वे सुरंगों की एक प्रणाली में भूमिगत रूप से जुड़े हुए हैं और दिन के दौरान पहरेदार यहीं रहते हैं मीना को आश्चर्य हुआ सियारा ने स्वीकार किया कि वह और जॉन लगभग पांच महीने पहले यहां आए थे हालांकि वह गिनती भूल गई थी और वास्तव में निश्चित नहीं है बाद में दोपहर के भोजन के दौरान मैडलिन मीना को जीवित रहने के नियम सिखाती है उन्हें कभी भी दर्पण की ओर पीठ नहीं करनी चाहिए अंधेरा होने के बाद कभी दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए बिल के पास नहीं जाना चाहिए और हमेशा प्रकाश में रहना चाहिए ये तीनों मिलकर काफी डरावने तरीके से नियमों का पाठ करते हैं जैसे जैसे दिन बीतते हैं मीना खुद को रियलिटी शो देखने और अपनी नोटबुक पर स्केच बनाने में व्यस्त रखने की कोशिश करती है शाम को वह दर्पण को देखती है और बाहर कुछ आवाज़ें सुनती है लेकिन उसे संदेह होता है एक रात वह बहुत जल्दी बिस्तर पर चली जाती है और जीव बाहर दहाड़ने और चिल्लाने लगते हैं इसलिए मैडलिन उसे तब तक दर्पण में घूरती रहती है जब तक वे शांत नहीं हो जाते कुछ समय बाद डैनियल जानवरों के लिए उनके जाल की जांच करने जाता है और उल्लेख करता है कि वह जॉन के साथ शिकार करता था मीना आती है और जंगल में उस छोटी लड़की को देखती रहती है डैनियल बताते हैं कि मैडलिन एक विश्वविद्यालय शिक्षक हुआ करती थी इसलिए उन्हें लगता है कि वह ये सब जानती हैं वह यहां आठ महीने से है और मीना को यह अजीब लगता है कि उसने कभी कोई चौकीदार नहीं देखा डैनियल और मीना दोनों स्वीकार करते हैं कि उन्हें मैगलिन की कहानी पर संदेह है और मीना ने डैनियल के डरावने विरोध को नजरअंदाज करते हुए बिल में जाने का प्रस्ताव रखा डैनियल द्वारा पकड़ी गई रस्सी का उपयोग करके मीना एक बिल में उतरती है और लाइटर के साथ चारों ओर देखती है उसे ढेर सारी परित्यक्त वस्तुएं मिलीं जिनमें उन्नीस का एक अखबार एक वीडियो कैमरा और एक आलिशान खरगोश शामिल है वहां एक साइकिल भी है जिसे मीना रस्सी के माध्यम से डैनियल तक भेजती है उसी समय उसे अंधेरे में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और मीना डैनियल को बुलाती है लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता है अचानक छह उंगलियों वाला एक हाथ धीरे धीरे एक अजीब भाषा बोलते हुए अंधेरे से बाहर निकलता है और मीना फिर से चिल्लाती है इस बार अंततः रस्सी वापस मिल जाती है कुछ क्षण बाद मीना सियारा और मैडलिन को वे सभी चीज़ें दिखाती है जो वे छेद से बाहर लाए थे और कहती है कि उन्हें वे एक बड़ी चट्टान के नीचे मिली थीं मीना सोचती है कि साइकिल उन्हें भागने में मदद कर सकती है लेकिन मैडलिन सहमत नहीं है और वह बता सकती है कि मीना ने कुछ देखा है वह उससे इसके बारे में पूछती रहती है लेकिन मीना इसे इनकार करती है इस बीच डैनियल कैमरे को कॉप के पावर स्रोत से जोड़ता है और समझाता है कि प्रोफेसर ने इसे उस समय स्थापित किया होगा जब उसने ये जगह बनाई थी टीवी को भी कनेक्ट करके अब उनके पास एक बुनियादी निगरानी प्रणाली है उस रात समूह मेज पर स्क्रीन पर कुछ दिखाई देने का इंतजार कर रहा था अचानक सियारा को एक शोर सुनाई देता है और जैसे ही कोई दरवाजा खटखटाता है तो उसके पैर कैमरे पर दिखाई देते हैं वह व्यक्ति बात करता है और सियारा जॉन को सुनने के लिए उत्साहित होती है जो उनसे उसे अंदर आने देने के लिए विनती करता है मैडलिन तुरंत इसे मना करती है और सियारा को याद दिलाती है कि वॉचेस उन्हें लुभाने के लिए चालें खेल सकते हैं जबकि जॉन गिरगिराता रहता है और कहता है कि उसे चोट लगी है एक बहस शुरू हो जाती है जिसके दौरान मैडलिन मीना और डैनियल को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि उन्होंने एक बिल के साथ खिलवाड़ किया है सियारा अभी भी अपने पति को बचाना चाहती है इसलिए मैडलिन उससे कुछ ऐसा पूछती है जो केवल वही जानता होगा दुर्भाग्य से जॉन को यह याद नहीं है कि मैगलिन कौन सी किताब पढ़ रही है भले ही उन्होंने इसे एक साथ खरीदा हो क्योंकि यह उसे उसकी याद दिलाती थी अभी भी इनकार में सियारा ने जॉन से अपना चेहरा कैमरे पर लाने के लिए कहा उसी समय जॉन स्क्रीन पर आता है और घसीटे जाने से पहले मदद मांगता है तभी कैमरे से कोई चीज टकराती है जिससे वह टूट जाता है समूह शीशे के सामने खड़ा होने के लिए दौड़ता है जबकि बाहर का उग्र दर्शक उस पर तब तक बार बार वार करता है जब तक कि वह टूट न जाए अगली सुबह मेडलिन ने वॉचर्स को शांत करने की उम्मीद में साइकिल को वापस बिल में फेंक दिया मीना ने वादा किया कि उसने नियम तोड़ दिए हैं बिल में साइकिल अंधेरे में घसीट ली जाती है फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे एक युवा मीना अपनी बहन और अपनी माँ के साथ कार की सवारी पर थी जिससे पता चलता है कि जंगल में छोटी लड़की उस समय जुड़वा बच्चों की तरह दिखती थी मीना नियम तोड़ती रही और इससे उसकी मां के साथ बहस शुरू हो गई जिसने खिड़की को बंद करने के लिए मजबूर किया और मीना की उंगलियां पकड़ लीं उसकी चीख से उसकी माँ का ध्यान भटक गया और इस कारण कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई वर्तमान में मीना उन पेड़ों को चिन्हित करने से पहले संकेतों और टिप्पणियों को स्कैच करना जारी रखती है जिन पर वह पहले ही जांच कर चुकी है कि जंगल उसके दिमाग से खेल रहा है सप्ताह बीतते जा रहे हैं जिससे दिन ठंडे और छोटे होते जा रहे हैं हर कोई बचने की सारी उम्मीद खो चुका है और टूटने लगा है मीना ने मैदलिन को डैनियल पर टूट पड़ते हुए सुना उसे डांटा क्योंकि उसने कुछ समय में कुछ भी नहीं पकड़ा था और वे जल्द ही भूखे मर सकते थे कॉप में सियारा रियलिटी शो देखकर सभी झगड़ों को नजरअंदाज कर देती है और मीना फर्श पर डूडलिंग करती रहती है अचानक वह मुड़ती है और देखती है कि सियारा चली गई है मीना जंगल में भागती है और सियारा को एक बिल के किनारे पर खड़ा पाती है जॉन के साथ फिर से खुद को हटाने पर विचार कर रही है उसी समय उन्हें एक चीख सुनाई देती है और वे शोर का पीछा करते हुए डैनियल को मेडलिन को बांधते हुए पाते हैं वह कहती है कि डैनियल ने अपना दिमाग खो दिया है लेकिन डैनियल ने अभी घोषणा की है कि कॉप में वापस भागने से पहले वे अपने नियमों के अनुसार खेल रहे हैं सियारा उसके पीछे दौड़ती है लेकिन मीना मेडलिन को छुड़ाने के लिए वहीं रुक जाती है बाद में दोनों द्रबे में वापस भागे तभी पता चला कि डैनियल और सियारा ने दरवाज़ा बंद कर दिया है पक्षी उनके चारों ओर उड़ना शुरू कर रहे हैं इसलिए उनके पास भागने और जालों में से एक के अंदर छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिसमें सड़ांध की गंध है जो उनकी गंध को छिपा सकती है जब सियारा और डैनियल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अंततः एक चौकीदार जाल के ऊपर दिखाई देता है लेकिन वह महिलाओं का पता नहीं लगा पाता है और कॉप की ओर भाग जाता है ये पूरी ऊंचाई पर खड़ा होता है और दहाड़ता है और अधिक प्रभावशाली दर्शकों को बुलाता है जब वे कॉप के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो डैनियल उन्हें बताता है कि उनमें से दो गायब हैं इसलिए वॉचर्स लापता महिलाओं की तलाश में जाते हैं कॉप के आसपास का क्षेत्र साफ होने पर मीना और मैडलिन दरवाज़े की ओर दौड़ते हैं और दया की भीख मांगते हैं मीना ने कहानी साझा करना शुरू किया कि कैसे उसने अपनी मां की मृत्यु का कारण बना और वह उस अपराधबोध के साथ कैसे नहीं जी सकती डैनियल को बताती है कि वह उसी ग़लती से परेशान होगा आखिरकार दरवाज़ा खुलता है और दोनों उसे फिर से बंद करने से पहले अंदर भाग जाते हैं मैडलिन तुरंत डैनियल को डांटती है और कहती है कि उसे महीनों पहले उसे मार देना चाहिए था लेकिन अब वॉचर्स से निपटना अधिक महत्वपूर्ण है समूह दर्पण के सामने खड़ा है और मैडलिन बताती है कि वह लोककथाएं और पौराणिक कथाएं पढ़ाती थी वह अनुसंधान के लिए जंगल में आई थी और अपनी पहली रात में उसने एक चौकीदार को देखा जो उसके विकृत संस्करण जैसा लग रहा था वॉचर्स कई क्लासिक कहानियों में हैं और उन्हें चेंजलिंग्स या परियों के रूप में भी जाना जाता है वे मनुष्यों का अध्ययन करते हुए उन्हें देखना चाहते हैं और अंततः वैसा ही बन जाते हैं अचानक एक चौकीदार मदद की भीख मांगने के लिए सियारा की आवाज़ की नकल करते हुए दरवाज़ा खटखटाने लगता है जल्द ही अधिक वॉचर्स कॉप पर चढ़ना शुरू कर देते हैं इंसानों की आवाज़ की नकल करके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं समूह द्वारा दरवाजे के सामने एक मेज को धकेलने के बाद उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है और कालीन के नीचे फर्श पर एक वर्ग दिखाई देता है जैसे जैसे वॉचर्स बाहर अधिक आक्रामक होते जाते हैं डैनियल तब तक चौक पर हमला करता है जब तक कि वह खुल न जाए और उन्हें एक बनकर मिल जाए समूह तुरंत दाविन के साथ नीचे चला जाता है और वॉचर्स के कॉप में घुसने से ठीक पहले हैच को बंद कर देता है जब वे लाइटें जलाते हैं तो उन्हें वह जगह मिल जाती है जहां प्रोफेसर काम करते थे ये फ़ाइलों किताबों और भोजन से भरा है जो उन्हें लंबे समय तक जीवित रखेगा वहां एक बहुत पुराना कंप्यूटर भी है जिसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है लेकिन मीना को वीडियो डायरी प्रविष्टियों की एक श्रृंखला मिली जो दो में शुरू हुई थी प्रोफेसर रोरी बताते हैं कि वह उन प्राणियों से कितने आकर्षित हैं जो उन्हें खिड़की से देखते हैं प्रत्येक वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे रोरी धीरे धीरे अपना दिमाग खो रहा है और अंततः वह स्वीकार करता है कि जिन लोगों को उसने कॉप बनाने के लिए काम पर रखा था उन्हें वॉचर्स द्वारा हर दिन मार दिया जाता था एक अन्य वीडियो में उन्होंने बताया कि एक चौकीदार उन्हें एक छोटी लड़की के रूप में दिखाई दिया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या मनुष्य उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं अगली रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि रोरी एक वॉचर को पकड़ने में सक्षम था और उसने उससे दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन वह प्राणी गुस्से में था आखिरी वीडियो तीन दिन रिकॉर्ड किया गया था और रोरी ने हार स्वीकार कर ली थी उसने वॉचों को मारने और स्वयं को नष्ट करने की योजना बनाई लेकिन पहले उसके पास एक संदेश था कि अगर किसी को यह मिल जाए उसने चिन्ह एक के पार नदी पर एक नाव छोड़ दी जिसे पक्षियों का अनुसरण करके पाया जा सकता है रोरी ने दर्शक से विश्वविद्यालय में उसके कार्यालय में जाने और उसकी सभी चीजें नष्ट करने के लिए भी कहा रिकॉर्डिंग में शॉट सुनते ही मीना रोने लगती है समूह सहमत है कि वे सुबह नाव पर निकलेंगे और सियारा जश्न मनाने के लिए कुछ संगीत बजाता है वह डैनियल को अपने साथ नचाने की कोशिश करती है लेकिन जब डैनियल उसे बताता है कि वह अपने अपमानजनक पिता से बचने के बाद जंगल में खो गया है तो वह उदास हो जाता है सियारा ने उससे वादा किया कि जब वे अंततः भाग जाएंगे और वे गले मिलेंगे तो वह उसके साथ रह सकता है अगली सुबह समूह मीना के निशानों का अनुसरण करता है जब तक कि उन्हें संकेत एक नहीं मिल जाता वहां उन्होंने डाविन को मुक्त कर दिया और जंगल में उसका पीछा करना शुरू कर दिया आखिरकार उन्हें एक पत्थर का चिन्ह मिलता है और मैडलिन बताती है कि इंसानों के खिलाफ युद्ध हारने के बाद परियों को यहीं कैद किया गया था तब से वे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने पंख और जादू खो दिया है इसलिए अब वे सूरज को बर्दाश्त नहीं कर सकते जैसे जैसे समूह चलता रहता है मीना आसपास की छोटी लड़कियों को देखती रहती है जल्द ही बारिश होने लगती है और पक्षी रात होने की घोषणा करते हुए उनके चारों ओर उड़ने लगते हैं समूह वॉचर्स को आते हुए सुन सकता है इसलिए वे नदी तक पहुंचने तक जल्दी करते हैं सभी महिलाएं नाव पर चढ़ने में सफल हो जाती हैं लेकिन डैनियल जॉन की आवाज़ सुनता है और रुक जाता है कुछ सेकंड बाद डनियल जॉन को किनारे पर खींचता हुआ दिखाई देता है और सियारा उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है कि यह वास्तविक नहीं है लेकिन बहुत देर हो चुकी है नकली जॉन रूप बदलता है और डैनियल को अपने पंजों से मार देता है फिर इसका शरीर खाली हो जाता है क्योंकि अधिक दर्शक तीनों को घूरने के लिए घेर लेते हैं क्योंकि वे दूर जा रहे होते हैं मैगलिन दूसरों से कहती है कि वे चिंता न करें क्योंकि वॉचस जंगल नहीं छोड़ सकते सुबह में महिलाएं और डाविन अंततः एक पुल ढूंढते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं बस के गुजरने तक इंतजार करते हैं शुक्र है कि ड्राइवर ने उन्हें अंदर जाने दिया और शहर लौटने पर वे आराम कर सकते हैं बाद में जब मीना नहाती है तो उसे अपनी मां की मृत्यु याद आती रहती है वह बीच सड़क पर पड़ी हुई थी और उसकी बहन उसके चेहरे पर चोट के निशान दिखाते हुए उसे बुलाती रही अगले दिन मीना रोरी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय जाती है ये दिखाते हुए कि वह उसकी भतीजी है वह कॉप के लिए ब्लूप्रिंट वॉचर्स पर एक शोध पत्र का पहला मसौदा और रोरी के कुछ शोध के साथ एक टेप रिकॉर्डर की खोज करती है जो एक सचित स्क्रॉल का अनुसरण करता है युद्ध से पहले परियां मनुष्यों के साथ मित्र और कभी कभी साथी के रूप में भी शांतिपूर्वक रहती थीं उन जोड़ों ने आधे अधूरे बच्चों को जन्म दिया जो सूरज के नीचे चल सकते थे और रोरी ने सोचा कि वे अभी भी इंसानों के रूप में समाज में छिपे रह सकते हैं मीना कला के एक विशाल टुकड़े को देखती है और उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो उसे सदमे में डाल देती हैं शाम को मीना सियारा से मिलने जाती है और उसे मिली तस्वीरें दिखाती है जिससे पता चलता है कि मैगलिन रोरी की पत्नी थी हालांकि दो में फेफड़ों के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई मीना का मानना है कि रोरी ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए अपने द्वारा पकड़े गए वॉचा का उपयोग करने की कोशिश की फिर वह वॉचा मेडलिन बन गया जिससे वे मिले थे उसी समय घर पर एक कार आती है और असली सियारा प्रकट होता है जिसका अर्थ है कि मैडलिन वॉचा पूरे समय मीना के लिए सियारा होने का नाटक करता रहा है असली सियारा घर में प्रवेश करती है और जॉन बनने से पहले वॉच छत पर रेंगता है अपनी आवाज़ का उपयोग करके सियारा का ध्यान भटकाता है और उसे बेहोश कर देता है मीना भागने की कोशिश करती है लेकिन चौकीदार उसे पकड़ लेता है और इंसानों के बारे में शिकायत करते हुए और डैनियल का रूप लेते हुए उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है मीना के गिरते ही एक दर्पण टूट जाता है और वह बचाव के लिए एक टुकड़ा पकड़ लेती है लेकिन चौकीदार उसे जंगल से भागने में मदद करने के लिए धन्यवाद देते हुए बस उसे चारों ओर खींच लेता है फिर वह जब बाहर चला जाता है और मैगलिन का रूप धारण कर लेता है ये समझाते हुए कि वह हमेशा जंगल छोड़ना चाहता था क्योंकि अन्य वॉचर्स ने सूरज के नीचे चलने में सक्षम होने के लिए उसका मजाक उड़ाया था उन्होंने इसे डे वॉकर और विरूपता कहा इसलिए ये रोरी के पास गया और उम्मीद की गई कि वह इसे भागने में मदद करेगा हालांकि जब रोरी ने इसे शूट करने की कोशिश की तो वॉचर ने पहले उसे मार डाला कुछ ही सेकंड में वॉचर रोरी और फिर मीना में बदल जाता है उसे मारने और उसके शरीर को लेने के लिए असली को गर्दन से पकड़ लेता है मीना कबूल करती है कि रोरी के पास एक रहस्य था और वॉचर उसे बात करने के लिए छोड़ देता है जिससे उसे आधे खून के बारे में पता चलता है और पता चलता है कि वहां इंसानों के बीच उनमें से कितने अधिक छिपे हुए हैं वॉचर को पता चलता है कि मेडलिन के रूप में रहते हुए वह अपने मिश्रित रक्त के कारण मानवीय भावनाओं को महसूस करने में सक्षम था और अचानक उसका शरीर पंखों को प्रकट करने के लिए बदल जाता है वह छत पर उतरने के लिए उड़ता है और मीना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि उसके उड़ने से पहले वह इस बारे में सही है कि उसकी तरह के और भी कुछ होंगे बाद में मीना ने सियारा की जांच की जो सौभाग्य से ठीक है कुछ समय बाद मीना आखिरकार सुलह करने के लिए अपनी बहन और उसके बच्चों से मिलने जाती है वह जंगल में अपना अनुभव भी साझा करती है और बताती है कि उसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैगलिन वॉच भीड़ में छिपकर उसे देख रहा है यह अलग अलग रूप लेती है लेकिन सबसे आम वह छोटी लड़की है जिसे रोरी ने देखा था खिड़की पर दाविन सड़कों को देखता है और चौकीदार उसे घूरता है पिछले साल कुछ दिनों में ऑडियो बुक पढ़ने के बाद से मैंने अक्सर इस उपन्यास के बारे में सोचा है मैंने कई साथी डरावने पाठकों को भी इसकी अनुशंसा की है मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि फिल्म रूपांतरण जितना हो सकता था उससे अविश्वसनीय रूप से कम है उपन्यास को सस्पेंस और चरित्र विकास के साथ खूबसूरती से तैयार किया गया है जबकि फिल्म दो डी पात्रों की पेशकश करती है जो सिर्फ इसलिए मौजूद हैं फिल्म के अधिकांश हिस्से में उनके चेहरे खाली रहते हैं और उनकी लाइन डिलीवरी सपाट होती है और लगभग हमेशा ऐसा लगता है मानो वे बात करते करते उग गए हों सच्चे श्यामलन फ़ैशन में हाँ यह नाइट की बेटी है जिसने इसे निर्देशित किया है लेकिन सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता है यह मोल एक बहुत बड़ा क्षण है हालांकि इसका खुलासा हो जाता है लेकिन ये किताब के मूल अंत का एक बड़ा हिस्सा भी बदल देता है जो समग्र कहानी को और भी दो डरावना मोड़ बना देता है किताब के अंत ने मुझे झकझोर कर रख दिया फिल्म के अंत ने मुझे पिटी डरावनी स्थिति दे दी मैं कहूंगा मैं ये देखने के लिए उत्सुक था कि मैडलिन का किरदार कौन निभाएगा क्योंकि वह किताब में सबसे दिलचस्प चरित्र के रूप में ऐसी ताकत है साथ ही वह जो सबसे लंबे समय तक जंगल में फंसी रही है और ओलवेन फोरे उसे खूबसूरती से चित्रित करता है फिल्म का समग्र सेट डिज़ाइन और माहौल भी अच्छे से बनाया गया है जो मदद करता है लेकिन कई बार फिल्म की खराब स्क्रिप्ट और पात्रों को और अधिक निराशाजनक महसूस कराता है हालांकि मैं इस फिल्म को न देखने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित नहीं करूंगा लेकिन मैं आपको एक एम शाइन की पुस्तक देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक लेखक जिसके काम की मैं सराहना करता हूं उसके काम को एक अलग मीडिया फॉर्म में लाने के लिए हॉलीवुड का ध्यान आकर्षित हो रहा है आइए आशा करें कि अगर उसके अन्य काम फिल्म या टेलीविजन रूपांतरण बन जाते हैं तो उन्हें वह रूपांतर दिया जाएगा जो उन्होंने किया था योग्य होना मैं इस फिल्म को और अधिक पसंद करना चाहता था लेकिन भाई कहानी में छेद हैं मैं अपने अविश्वास को एक सीमा तक स्थगित कर सकता हूं लेकिन यह हास्यास्पद था बड़े चेचोव की बंदूक जो कभी नहीं चलती बॉस का चेहरा कभी नहीं दिखाया जाता स्पष्ट रूप से और वही वह है जो उसे इस जंगली हंस के पीछा पर जंगल में भेजता है लेकिन इसे फिर कभी सामने नहीं लाया जाता है यह अनुमान लगाना अनुचित नहीं होगा कि वह आधा बच्चा है लेकिन ऐसा कोई अच्छा कारण नहीं है कि वह उसे वहां भेजे वे महीनों तक बिना पानी के बनकर में रहते हैं लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वे किसी झरने के पास रहते हैं या बारिश इकट्ठा करते हैं वाटर डकोटा फैनिंग कम से कम कुछ महीनों से गायब है उसका किराया कौन दे रहा है उसकी मकान मालकिन और न ही उसके मालिक ने पुलिस को उसके लापता होने की रिपोर्ट दी प्रोफेसर का कार्यालय छात्र दान कोष के माध्यम से पंद्रह वर्षों तक संरक्षित रखा जाता है वास्तव में वास्तव में ये लोग महीनों से इस बनकर में हैं और कभी गलीचे के नीचे नहीं देखा हे भगवान वहां नीचे एक जाल है जैसे कि लव आइलैंड बारह को सौवीं बार देखने के बाद वे अपने एक कमरे में थोड़ा सा भी ताक झांक नहीं करेंगे ऐसा माना जाता है कि प्रोफेसर एक रात में आसपास के शहरों से तेरह लोगों को एक भूमिगत बनकर बनाने के लिए जंगल में आने के लिए मना रहे हैं और यह कथित तौर पर वर्षों तक चलता रहता है तो क्या किसी को इस बात पर ध्यान नहीं गया कि स्थानीय आबादी खत्म की जा रही है और इनमें से कोई भी व्यापारी यह नहीं पूछता कि अरे पहले इस पर कौन काम कर रहा था वे कहाँ हैं इस प्रोफेसर ने अकेले ही इराक युद्ध से भी ज्यादा लोगों को मार डाला अगर परी जादुई जंगल नहीं छोड़ सकते तो इंसानों का अध्ययन करने और उनकी नकल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मैंने अभी रिप्ले में फैनिंग को देखा और सोचा कि उसका लकड़ी का प्रदर्शन वहां मायने रखता है उसका चरित्र थका हुआ दिशाहीन और आंखों के पीछे कुछ कुछ मूर्खतापूर्ण है लेकिन फिर मैंने फैनिंग को वॉचस में वही किरदार निभाते हुए देखा और अब मैं सोच में पड़ गया कि शायद वह सिर्फ एक ख़राब अभिनेत्री है द वॉच अंकित मूल्य पर एक दिलचस्प आधार प्रदान करता है डरावनी फिल्में जिनमें भयानक स्थान के साथ लोग कथाओं में मोड़ शामिल होता है आमतौर पर एक साथ अच्छी जोड़ी बनाती हैं और इस मामले में ऐसा होता है ईशाना नाइट शामलिन की निर्देशन की पहली फिल्म गर्व करने लायक है आप फिल्म में स्पष्ट रूप से उनके पिता की शैली की झलक देख सकते हैं लेकिन साथ ही उनकी अपनी अनूठी दृष्टि भी है कथानक के संबंध में कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप पूरी अवधि के दौरान इसमें डूबे रहेंगे ये प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त है लेकिन उन्हें टालने के लिए पर्याप्त नहीं है वॉचर्स का डिज़ाइन फिल्म का मुख्य आकर्षण है ज़्यादा खराब हुए बिना जब भी वे स्क्रीन पर थे मैं पूरी तरह से तल्लीन हो गया था उनमें से बहुत कुछ दिखाया गया जिससे मुझमें और अधिक देखने की इच्छा पैदा हुई दुर्भाग्य से सबसे खराब वे पात्र हैं जो एक आयामी थे और उनमें यथार्थवाद की कमी थी उन्होंने इस तरह से काम किया जैसा स्थिति में कोई इंसान नहीं करेगा खासकर मुख्य भूमिका में एक अच्छी हॉरर फिल्म के लिए यथार्थवादी और पसंद आने योग्य पात्रों की आवश्यकता होती है द वॉचर्स ने ऐसा बनाने के लिए संघर्ष किया जैसा कि दुर्भाग्य से अधिकांश भयावहताओं में होता है द वॉचर्स में कुछ ऐसे क्षण हैं जो मुझे थोड़े मूर्खतापूर्ण लगे ऐसे क्षण जहां आप खुद से पूछते हैं उसने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ ऐसे क्षणों से फिल्म को कोई फायदा नहीं हुआ मैं शुरुआत में फिल्म को लेकर सशंकित था ये सोचकर कि इसका कथानक भटक जाएगा और अंततः दोहराव होगा हालांकि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी और इसके स्थान बदले इससे कहानी में ताजगी बनी रही और, और अधिक की चाहत बनी रही हालांकि अनफी का रहा मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि यह बहुत हास्यास्पद और अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हुआ अधिक यथार्थवादी एवं मार्मिक लगा कुल मिलाकर एक अच्छी पहली फिल्म जिसने लोक साहित्य पर एक ताज़ा नजर डाली निराशाजनक किरदारों और कुछ मूर्खतापूर्ण क्षणों ने इसे महान बनने से रोका मेरे लिए छह दशमलव चार दस स्क्रीन के लिए लिखित और ईशाना नाइट शामलन द्वारा निर्देशित कहानी एक युवा कलाकार मीना डकोटा फैनिंग की है जो पश्चिमी आयरलैंड के एक विशाल अछूते जंगल में फंस जाती है मदद मांगने की उसकी कोशिश उसे एजेंडियों के एक समूह के पास ले जाती है जो रात में रहस्यमय प्राणियों से छिपते प्रतीत होते हैं मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करूंगा कि मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्सुक था क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो शायद किसी पक्षपाती कारण से लेखक निर्देशक के पिता की फ़िल्मोग्राफी के प्रति मेरे मन में नर्म रोक है ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी कुछ फिल्में अच्छी नहीं तो दिलचस्प जरूर हैं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दो की द लास्ट एबेंडे को बर्दाश्त कर लूंगा भले ही वह केवल एक निर्माता के रूप में काम करता है लेकिन यह उससे जुड़ी किसी भी उम्मीद को खत्म नहीं करता है कि यह या तो उसके लिए एक ठोस शुरुआत होगी या नाइट के अधिकांश कार्यों की तरह विभाजनकारी होगी वैसे भी चलिए इसमें शामिल होते हैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे कथा से कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह बहुत सीधी और दिलचस्प भी है लेकिन फ़िल्म के अंत में अंतिम मोड़ आपको गलत तरीके से परेशान करता है क्योंकि एक साधारण संवाद ये पूरी तरह से उचित नहीं ठहराता है कि एक पात्र पहले अभिनय से लेकर मोड़ से ठीक पहले तक कैसा व्यवहार करता है मैं कुछ भी ख़राब नहीं करूंगा लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक और चीज़ जो मुझे हमेशा परेशान करती है और शायद कुछ डरावनी फिल्मों में भी मौजूद होती है वह है पात्रों का निर्णय जो उन्हें किसी चीज़ या किसी से भागने से ठीक पहले उनकी मृत्यु की ओर ले जाता है इसमें जो और भी अधिक मूर्खतापूर्ण लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि चरित्र पूरी तरह से भूल गया है कि पहले सब कुछ क्या हुआ था तकनीकी रूप से द वॉचर्स रंग के अपने बेहतरीन उपयोग के साथ उस दुनिया की तुलना करने के लिए ठोस है जहां मनुष्य और जीव रहते हैं हालांकि रात के समय बहुत अंधेरा हो सकता है मुझे सूक्ष्म कैमरावर पसंद है जो दृश्य में भयावहता जोड़ता है मुझे लगता है कि यह श्यामलिन के खून में चलता है जबकि ईशाना नाइट शामलिन बिल्कुल अपने स्वयं के फिल्म निर्म निर्माता हैं और क्या उनकी फिल्मों को उनकी योग्यताओं के आधार पर आंका जाना चाहिए द वॉचर्स ने मुझे बहुत कुछ याद दिलाया उसके पिता इस तरह से काम करते हैं कि मुझे आमतौर पर उनकी फिल्में निराशाजनक लगती हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसकी तुलना नाइट की फ़िल्मों से न करूं लेकिन विशेष रूप से द वॉचर्स ने मुझे द विलेज और उस फिल्म के साथ मेरे मुद्दों की बहुत याद दिलाई और मुझे लगता है कि मैं अभी भी ऐसा ही महसूस करूंगा या पारिवारिक संबंध के बिना क्योंकि द विलेज की तरह द वॉचर्स में एक बहुत ही दिलचस्प हुक है जो बहुत सारी दिलचस्प कहानी की संभावनाओं को बहुत पहले ही प्रस्तुत कर देता है लेकिन ये कभी भी किसी भी संतोषजनक तरीके से उनका फ़ायदा नहीं उठाता है यहां संवाद वास्तव में कमजोर है और इसे अक्सर बेहद लकड़ी के तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है जो प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा अपना सिर उठाता है क्योंकि श्यामलिन स्पष्ट रूप से कम और अधिक दृष्टिकोण में विश्वास नहीं करती है क्योंकि उसे हर चीज को अधिक समझाने की आवश्यकता महसूस होती है और परिणामस्वरूप रहस्य वास्तव में कभी भी उतना दिलचस्प नहीं लगता है अधिकांश खुलासे बहुत ही सपाट लगते हैं जिससे ऐसा लगता है कि उनमें संतोषजनक होने के लिए पर्याप्त निर्माण की कमी है यह पहले दो कृत्यों में से अधिकांश के लिए बहुत दोहराव वाला है जिसमें अनिवार्य रूप से इस घर को छोड़ने और रात होने से पहले वापस लौटने की समान शक्ति का पालन किया जाता है और यह सिर्फ थका देने वाला बल्कि तनाव पैदा करने वाला लगता है ये खुलासे वास्तव में अर्जित नहीं लगते हैं और यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं चाहता था कि फ़िल्म और अधिक खोज करे लेकिन स्क्रिप्ट वास्तव में ऐसा महसूस करती है कि यह जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चुनती है उसके साथ यह सबसे ख़राब संतुलन बनाती है तीसरा एक्ट भी काफी निराशाजनक था पूरी फ़िल्म के लिए जो मुख्य कार्य तैयार किया जा रहा है उसे काफ़ी मानक तरीके से पूरा किया गया है जो कि जो सेट किया जा रहा था उसके लिए उपयुक्त नहीं लगता है और यह महसूस करने की गलती करता है कि यह केवल जो महसूस किया गया था उसके लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है अगले तीस मिनट की तरह शुक्र है कि जो चीज़ फ़िल्म को पूरी तरह से समय की बर्बादी होने से बचाती है वह वास्तव में प्रदर्शन पर प्रभावशाली फ़िल्म निर्माण है इसे भव्य रूप से शूट किया गया है और यह इस तरह से महत्वाकांक्षी है कि ऐसा लगता है कि यह केवल पहली बार निर्देशक द्वारा ही किया जा सकता है मुझे लगा कि इसको अद्भुत था और साथ ही सिनेमेटोग्राफी भी इस तरह से थी कि ऐसा नहीं लगा कि यह अपनी ओर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है इसमें कुछ बहुत प्रभावी डर और तनाव के वास्तविक दृश्य हैं दुर्भाग्य से यह कभी भी मेरी रुचि बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था यह स्क्रिप्ट ही है जिसने अंततः मेरे लिए इस फिल्म को बर्बाद कर दिया लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि ईशाना नाइट श्यामलिन के पास कैमरे के पीछे वास्तविक प्रतिभा है वॉचर्स मेरे लिए संभावनाओं की बर्बादी थी और कुछ ऐसा था जिसके बारे में कभी महसूस नहीं हुआ कि इसने अपने दिलचस्प सेटअप का फ़ायदा उठाया है ये सिर्फ़ एक ऐसी स्क्रिप्ट की बू है जो अपने दर्शकों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा नहीं करती है और मैं इस बात से लगातार चिड़ रहा था कि कैसे फिल्म अपने तरीके से चीज़ों को सबसे भद्दे और अकल्पनीय तरीक़ों से समझाती रही मैं देख सकता हूं कि शामलन क्या करने जा रहा था और अगर कुछ भी हो तो इसे उपन्यास पढ़ने में अधिक रुचि होती है लेकिन उसकी बहुत स्पष्ट प्रतिभा वास्तव में एक ख़राब स्क्रिप्ट पर बर्बाद हो जाती है द वॉच का लेखन और निर्देशन एम नाइट श्यामलिन की बेटी ईशाना श्यामलन द्वारा किया गया था मुझे संदेह है कि अगर डैडी ने इसका निर्माण नहीं किया होता तो यह फिल्म कभी बन पाती स्क्रिप्ट बिल्कुल भयानक है खामियों और तर्क की चूक से भरी है डकोटा फैनिंग ने मीना का किरदार निभाया है जो एक अजीब जंगल में खो जाती है जहां उसे तीन अन्य लोगों के कब्जे वाली कांच की सामने वाली इमारत में आश्रय मिलता है वहां उसे सूचित किया गया कि वह और उसके नए परिचित प्रदर्शन हैं जिन्हें रात के दौरान दिन के दौरान भूमिगत रहने वाले प्राणियों द्वारा घूरा जाता है यहां कुछ चीजें हैं जो मुझे फिल्म के बारे में परेशान करती हैं जब मीना ने खुद को एक गंदगी भरे रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए पाया जो स्पष्ट रूप से कहीं नहीं जा रहा था तो उसने पीछे मुड़कर एक नया रास्ता खोजने की कोशिश क्यों नहीं की कॉप में लोग टॉयलेट पेपर के लिए क्या उपयोग करते थे बिना धुलाई सुविधाओं के वे खुद को कैसे साफ़ रखते थे क्या वे हर दिन एक ही अंडवय पहनते थे क्या उनके पास प्लेट और कटलरी थी यदि डैनियल वहां आठ महीने तक रहा तो उसने अपने बाल इतने छोटे कैसे रखे वे सब कहाँ सोए थे वहां केवल एक ही बिस्तर था और वे कब सोए रात के समय जब पहरेदार उन पर जासूसी कर रहे थे मैंने सोचा कि उन्हें रात के दौरान दर्शकों का मनोरंजन करना होगा कैमरे को टेलीविजन से जोड़ने के लिए आवश्यक बड़ी लंबाई की केबल डैनियल को कहाँ से मिली और क्या हमसे यह विश्वास करने की अपेक्षा की जाती है कि कैमरा अभी भी कार्यशील बैटरियों के साथ आया है डेनियल और मीना को इतनी लंबी रस्सी कहां से मिली यदि कुछ शाखाओं के नीचे दर्शकों से सफलतापूर्वक छिपना संभव है तो वापसी के बिंदुओं से परे ऐसे ठिकाने क्यों न बनाएं जिससे भागने की अधिक संभावना हो जनरेटर में ईंधन भरकर कौन रख रहा था क्या किसी ने यह सवाल नहीं किया कि बिजली का स्रोत कहाँ छिपा था क्या कोई विश्वविद्यालय वास्तव में किसी प्रोफेसर के कमरे को तीस वर्षों से अधिक समय तक अछूता छोड़ देगा और जहां तक कॉप के निर्माण की बात है इसका कोई मतलब ही नहीं है इसके निर्माण के समय प्रोफेसर कहाँ रहते थे अधिक निर्माण श्रमिकों को खोजने के लिए उसने जंगल कैसे छोड़ा क्या सभी लापता बिल्डरों के बारे में किसी को संदेह नहीं हुआ और अगर उसे अपना अधिकांश समय बनकर में बिताना था तो उसने कॉप में एक विशाल एक तरफा दर्पण क्यों लगाया पूरे समय जब मैं फिल्म देख रहा था मैं मन ही मन सोच रहा था कि यह इससे भी बदतर कैसे हो सकता है और फिर ऐसा ही हुआ एक बटा दस आइए आशा करते हैं कि लकड़ी के काम में अब कोई शामलन नेपो बेबी नहीं होंगे मीना द कोटा फेनिंग एक परेशान आत्मा है वह आयरलैंड में एक अमेरिकी है और एक पालतू जानवर की दुकान में काम करती है उसका बॉस उसे एक तोते को बेलफास्ट के एक चिड़ियाघर में ले जाने का काम सौंपता है वह जंगल में गाड़ी चला रही थी तभी उसकी कार ने काम करना बंद कर दिया वह असंभव रूप से खो जाती है मेडलिन ओल्विन फोरे उसे द कॉप नामक एक इमारत की ओर ले जाती है सियारा जॉर्जिना कैम्पबेल और डैनियल फिन्नेगन वहां इंतजार कर रहे हैं इसका निर्देशन एम नाइट श्यामलिन की बेटी ईशाना श्यामलिन ने किया है उनमें निश्चित रूप से अपने पिता की फिल्म संबंधी समझ है बीज वृक्ष से दूर नहीं गिरता ये स्वप्न तर्क का मामला है कई बार मुझे लगा कि ये सच में कोई सपना हो सकता है यदि कोई बहुत गहराई तक न जाए तो तर्क समझ में आता है उदाहरण के लिए किसी को यह नहीं पूछना चाहिए कि बनकर किसने बनाया या कैसे बनाया साथ ही तोता क्या खाता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियम कहाँ से आए मुद्दों के बावजूद मैं कुछ समय के लिए रहस्य में उलझा हुआ हूं इसने मुझे काफ़ी व्यस्त रखा बिना किसी दिखावे के कहावत यह है कि, कि किसी ऐसी चीज़ की नकल करना बेहतर है जो पहले से ही काम करने वाली साबित हो चुकी है बजाय इसके कि, कि किसी ऐसी चीज़ की नकल करें जो कमज़ोर हो अब ईशाना जो जाहिर तौर पर एक संगीतकार है ये पहले से नहीं पता था एक दोस्त ने मुझे फिल्म देखने के बाद बताया था आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है न केवल अपने पिता की विरासत बल्कि हॉरफ फिल्म की विरासत भी आप बता पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ट्रेलर अच्छा था और ज़्यादा कुछ नहीं बताया कम से कम मेरे लिए यानी कि फिल्म काफ़ी पैक है और इसका एक मुख्य चरित्र है जिसमें हमें खुद को डालना है वहां हमें बहुत कुछ नहीं मिलता है हमें कुछ पिछली कहानी मिलेगी जो कहानी और अंत में समाधान के लिए कुछ हद तक महत्वपूर्ण है इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं कुछ बिल्कुल फ़िट बैठते हैं और कुछ बिल्कुल फ़िट नहीं बैठते एक पूरी पौराणिक कथा है जिसे ये हम पर थोपने या थोपने की कोशिश करता है हालांकि यह वास्तव में पूरी तरह से काम नहीं करता है ऐसा लगता है कि इसे प्रीक्वल की आवश्यकता है चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए या हम इसे आने वाली और फिल्मों के पहले भाग के रूप में देखते हैं शायद तब फिर से देखने का कोई मतलब निकलेगा हालांकि मुझे संदेह है कि इसमें वह सफलता होगी जो उन तंत्रों को काम करने की गारंटी देती है और उसे इनमें से और अधिक करने की अनुमति देती है हालांकि इसमें सस्पेंस है और फीचर लेंथ डेब्यू के लिए यह आधा भी बुरा नहीं है और उसके अंतिम नाम के अनुरूप हमें अंत में एक बड़ा मोड़ मिलेगा मैंने वह नहीं देखा थोड़ा अलग ढंग से सोचा लेकिन यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो आप इसे देख सकते हैं फिर भी अंत एक निराशा की तरह महसूस हो सकता है तनाव लेना और इसे बहुत ही अजीब तरीके से हल करना अविश्वास का निलंबन हमेशा आवश्यक होता है चाहे वह नो रिटर्न का बिंदु हो सामान का कोई मतलब नहीं है तार्किक रूप से कहें तो छुपे हुए स्थान जो बस प्रकट हो जाते हैं मैंने भी किताब नहीं पढ़ी है इसलिए निश्चित नहीं हूं कि उन्होंने इसमें क्या छोड़ा है या यूं कहें कि क्या छोड़ा गया है और कोई अंतर है एक अच्छी फिल्म है लेकिन ऐसी फिल्म नहीं है जिसे मैं केवल थोड़ी मात्रा में देखने वालों के लिए प्रचारित करूंगा डॉट डॉट आयरलैंड में एक पालतू जानवर की दुकान की क्लर्क मीना डकोटाफैनिंग एक महिला है जिसे बचपन में आघात लगा था क्योंकि जब वह 10 साल की थी तब एक कार दुर्घटना में उसकी मां सियोभान हैवलेट की मौत हो गई थी और वह उससे अलग हो गई है जुड़वा बहन जुड़वां बहनलुसी डकोटाफैनिंग जब दुकान का मालिक उसे बेलफास्ट में एक पीला तोता पहुंचाने का काम सौंपता है तो मीना एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए जीपीएस का उपयोग करती है अचानक उसकी कार काम करना बंद कर देती है और मीना मदद की तलाश करती है जब वह लौटती है तो उसे अपनी कार नहीं मिलती और वह पूरी तरह से खोई हुई जंगल में प्रवेश करती है जब रात होने वाली होती है तो एक अजीब महिला मैडलिन ओल्वेनफोरे उसे द कॉप नामक अपने घर में चलने के लिए कहती है अन्यथा वह मर जाएगी मीना की मुलाकात सियारा जॉर्जिना कैम्पबेल से होती है जिसका पति जॉन एलिस्टेयर और ब्रैमर जंगल छोड़ने की कोशिश में मदद की तलाश में है और डेनियल ओलिवर इनिगन जो लंबे समय से जंगल में फंसे हुए हैं जॉर्जिना उन नियमों के बारे में बताती है जिनका पालन मीना को करना चाहिए और उसे बताती है कि प्राणी द वॉचर्स बनकर में दर्पण वाले कांच के माध्यम से उनका निरीक्षण करते हैं और रात के दौरान बनकर छोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देते हैं लेकिन मीना डेनियल के समर्थन से एक नियम तोड़ती है और वॉचर्स को परेशान करते हुए एक भूमिगत सुरंग में प्रवेश करती है कुछ समय बाद मीना को मैडलिन से पता चला कि वॉचेस परियां हैं जो ये सीखने की कोशिश कर रही हैं कि इंसानों की नकल कैसे की जाए जब वे कॉप में घुसते हैं तो मीना को एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है जो दूसरे बनकर की ओर जाता है जहां कॉप का निर्माण करने वाले प्रोफेसर रोरी किलमार्टिन जॉन लिंच ने परियों पर शोध किया था और वे उसकी कंप्यूटर फाइलों के माध्यम से वॉचेस के बारे में अधिक सीखते हैं क्या वे भागने में सफल होंगे द वॉचेस 2024 एक दिलचस्प शुरुआत और भयानक विकास और निष्कर्ष वाली एक अलौकिक फिल्म है कथानक त्रुटिपूर्ण है जिसमें कई अनुतरित प्रश्न हैं उदाहरण के लिए मीना दूसरी सड़क पर लौटने के बजाय एक अजीब मार्ग का अनुसरण क्यों करती रही या डॉक्टर किलमार्टिन ने बनकर और कॉप कैसे बनाया ये स्पष्टीकरण कि वह गरीब लोगों को जंगल में काम करने के लिए लाया था प्रशंसनीय नहीं है या कॉप में लोग कैसे कपड़े धोते या बदलते थे या वे पानी कैसे पीते हैं या फिर उन्होंने कैसे बाल कटवाए और डैनियल ने खुद ही शेव की कैसे एक विश्वविद्यालय ने एक अजनबी को अपना शोध एकत्र करने के लिए प्रोफ़ेसर के कमरे में प्रवेश करने दिया ऐसा लगता है कि खूबसूरत डकोटा फैनिंग जब वह एक युवा लड़की थी सादे सौंदर्य वाली महिला बन गई है ऐसा भी लगता है कि ईशाना शामलिन को निर्देशन के मामले में वही आनुवंशिक समस्याएं हैं जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली हैं मेरा वोट पांच है फिल्म का दावा है कि पश्चिमी आयरलैंड में एक जंगल है जहां लोग प्रवेश तो करते हैं लेकिन कभी वापस नहीं लौटते मीना द कोटा फैनिंग एक पालतू जानवर की दुकान पर काम करती है एक प्रारंभिक पूर्वाभास दृश्य में हम मीना को किसी और की तरह कपड़े पहनते और एक अलग पहचान का उपयोग करते हुए देखते हैं उसका काम उसे गैलोवे की दुकान से एक दुर्लभ पक्षी को डबलिन ले जाने का काम सौंपा गया है वह जिस सड़क पर चलती है वह तब तक छोटी होती जाती है जब तक कि वह सड़क न रह जाए कार मर जाती है उसका फोन बंद हो जाता है बिजली संबंधी हर चीज खत्म हो गई है परेशान होकर उसने अपनी चिड़िया से खुर लगा दिया जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है मेडलिन फोएरे नाम की एक महिला मीना को अपनी जान बचाने के लिए द कॉप नामक एक सीलबंद इमारत में भागने के लिए मना लेती है यहां उसकी मुलाकात डैनियल ओलिवर फिन्नेगन और सियारा जॉर्जिना कैम्पे से होती है उन सभी को खड़े होकर दो तरफा दर्पण को देखना चाहिए ताकि वॉचर्स उन्हें देख सकें वॉचर्स प्रीडेटर के समान आदिम कंठस्थ ध्वनिया निकालते हैं मेडलिन उनके जीवित रहने और कैद में रहने के नियम बताती हैं वे अंधेरे के बाद बाहर नहीं निकल सकते उनके पास देखने के लिए एक ऑपरेटिंग टीवी और एक डीवीडी है ये देखते हुए कि इसे कितनी बार देखा गया है मुझे आश्चर्य हुआ कि यह काम कर गया मीना को कैदी बनने की कोई इच्छा नहीं है और उसे नियमों को तोड़ने और द वॉचर्स को भड़काने में कोई समस्या नहीं है हमें फ़ीचर में लगभग पचास मिनट में दर्शकों को देखने को मिलता है और दस मिनट बाद एक स्पष्टीकरण मिलता है जिसे बाद में विस्तार से बताया गया है ये सर्वश्रेष्ठ द कोटा फैनिंग हॉरर फिल्म नहीं है नहीं यह शीर्षक में वॉचर्स के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ये देखने योग्य है मीना ड कोटा फैनिंग बीस साल की लड़की है उसकी कार आयरलैंड के पश्चिम में एक जंगल में फंसी हुई है और एक पेड़ के पास खराब हो गई है जब उसे आश्रय मिलता है तो वह अनजाने में तीन अजनबियों के साथ फंस जाती है उन सभी पर हर रात रहस्यमय जीव नजर रखते हैं और उनका पीछा करते हैं अब मीना तीन पूर्ण अजनबियों के साथ एक खस्ताहाल वुडलैंड आश्रय के अंदर फंस गई है सियारा जॉर्जिना कैम्पबेल मेडिलिन ओलवेन फोरे और डैनियल ओलिवफिन नेगन फिर कुछ अजीब जीव अपने बंदी मनुष्यों का निरीक्षण करने के लिए निकलते हैं और जो कोई भी समय पर बनकर तक नहीं पहुंचता है उसके साथ भयानक चीजें होती हैं मीना खुद को कांच की दीवार वाले कमरे में पाती है और एक बिजली की रोशनी होती है जो रात में सक्रिय होती है जब वॉचर्स जमीन से ऊपर आते हैं वे देख रहे हैं आप उन्हें नहीं देख सकते लेकिन वे सब कुछ देखते हैं ईशाना शामलन द्वारा निर्देशित इस खौफनाक फोक हॉरर में डकोटा फैनिंग अल्बामा में क्रेजी ने अभिनय किया है जो अपने पिता प्रसिद्ध हैं नाइट 'द सिक्स सेंस' के निर्देशक और अन्य सफलताओं की तरह आतंक शैली के प्रति अपने प्यार को साझा करते हैं दरावनी और कल्पना का क्षेत्र जैसे कि साइंस द विलेज लेडी इन वाटर नॉक एट द केबिन ओल्ड द इंसिडेंट अनब्रेकेबल मल्टीपल और ग्लास इन फिल्मों का नाम देना जरूरी है क्योंकि उनमें से कुछ ने इस द वॉचर्स पर प्रभाव डाला जिसका निर्माण भी एम नाइट श्यामलन ने किया था ये भयानक और रहस्यमय फिल्म एक अलग जगह की कहानी दर्शाती है जो आश्चर्यजनक सच्चाई का सामना करती है जो उसकी सीमा के ठीक बाहर है वे अंत में एक रहस्योद्घाटन होने तक कुछ दर्शकों के नियंत्रण में रहते हैं ईशाना भयानक विचारों और आयरिश परियों की कहानियों के साथ खेलती है लेकिन कभी कभी वह उन्हें एक अतार्किक और अप्रत्याशित कहानी के नीचे दबा देती है लेखक निर्देशक शामलिन को भयावह छवियों खतरनाक सेट के टुकड़ों और पर्याप्त तनाव के साथ समय अवधि का अच्छा अनुभव हुआ सितारे डकोटा फेनिंग जो एक युवा कलाकार के रूप में स्वीकार्य अभिनय करते हैं पश्चिमी आयरलैंड के एक विस्तृत बेदाक जंगल में अन्य अच्छे खिलाड़ियों के साथ फंस जाते हैं जैसे जॉर्जिना जॉर्जीना कैम्पेल ओल्वेनफोरे फिन्नेगन एलिस्टे ब्रैमर और जॉन लिंच की विशेष उपस्थिति इसमें संगीतकार एबिल कोर्जेनियोस्की का एक रहस्यमय और दिलचस्प संगीत स्कोर शामिल है साथ ही कैमरामैन एली अरेंसन द्वारा रंगीन और विचारोत्तेजक छायांकन आयरलैंड में स्थान पर फिल्माया गया मोशन पिक्चर को व्यावसायिक रूप से ईशाना शामलन द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था हालांकि यह बहुत मौलिक नहीं है क्योंकि वह अपने पिताएम नाइट के विचारों और विशिष्ट सिनेमेटोग्राफिक शैली की नकल करती है और यह एक फीचर फिल्म में निर्देशन की पहली फिल्म थी उन्होंने सर्वेंट श्रृंखला के कुछ एपिसोड भी बनाए रेटिंग छह बटा ये फिल्म हॉरर के प्रति उत्साही लोगों और निर्देशक के पिता की फिल्मों के प्रशंसकों को खुश करेगी मैं देख रहा हूं कि फिल्म के बारे में मेरी शंकाओं को आईएमडीबी पर बहुत सारे दर्शकों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है जब मैंने इस परियोजना से जुड़ा श्यामलिन नाम देखा तो मैंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि अहम नाइट का है लेकिन इसका निर्देशन उनकी बेटी ईशाना ने किया था फिल्म ने मुझे काफी हद तक वरिष्ठ श्यामलिन की फिल्म द विलेज की याद दिला दी क्योंकि कहानी एक एकांत स्थान पर घटित हुई थी जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था हालांकि मुझे सवाल करना पड़ा कि मीना डकोटा फेनिक जंगल में गाड़ी क्यों चलाती रही जबकि सड़क अचानक घास के लंबे हिस्से में बदल गई थी अन्य अस्पष्ट विसंगतियां भी सामने आती रहीं जैसे कि एक लंबी रस्सी का दिखना जब डेनियल ओलिव फिनेगन को मीना को जंगल के बिल में नीचे उतारने के लिए इसकी आवश्यकता थी ये कहाँ से आया था और यदि द कॉप का निर्माण मूल रूप से एक पूर्व लेकिन अब दिवंगत प्रोफेसर द्वारा मानव परिसहजीवन की जांच करने वाले प्रोफेसर द्वारा किया गया था तो क्या उनके लिए चुनी जाने वाली सबसे अच्छी सामग्री ले ऑफ लव जैसा रियलिटी टीवी कार्यक्रम हो सकता था कहानी में इसके पहले परिचय के बाद मैंने सोचा कि इस संकल्प का मीना द्वारा पंद्रह साल पहले अपनी माँ की कार दुर्घटना में मृत्यु के लिए महसूस किए गए अपराध बोध से कुछ लेना देना होगा लेकिन ये कोई निर्णायक कारक नहीं निकला इसके बजाय हमारे पास एक बेतरतीब ढंग से चयनित परिणाम है जिसमें प्रोफ़ेसर किलमार्टिन जॉन लिंच की पत्नी मेडलिन ओल्वेन फाउरेक की वर्षों पहले मृत्यु हो गई थी लेकिन वह एक रूपांतरित मानव परी के रूप में अस्तित्व में थी जो शीर्षक वाले दर्शकों में से एक बन गई जिसने संभवतः अपने मानवीय मेहमानों को अपनी टिप्पणियों के हिस्से के रूप में बंदी बना रखा था अलौकिक में उद्यम के लिए ये सबसे खराब निर्देशक ईशाना शामलन नहीं कर सकती थी लेकिन जब आप कहानी में कुछ तर्क लागू करते हैं तो ये सामंजस्य और निरंतरता की एक निश्चित कमी की ओर इशारा करता है ऐसा नहीं है कि फैंटेसी हॉरर के लिए हमेशा तर्क की आवश्यकता होती है लेकिन इसे शुरू से अंत तक प्राप्त करने के लिए एक विश्वसनीय सूत्र बनाए रखना पड़ता है ये डरावनी फिल्म द सिक्स सेंस के निर्देशक एम नाइट श्यामलिन निर्माता की बेटी ईशाना नाइट श्यामलिन लेखन भी के निर्देशन में पहली फिल्म थी ट्रेलर से यह सार्थक लग रही थी लेकिन मैंने पढ़ा कि इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिल रही थी मूल रूप से गॉलवे आयरलैंड में अमेरिकी आप्रवासी मीना डकोटा दकोटाफेनिंग एक पालतू जानवर की दुकान में काम करती है गाड़ी चलाते समय अपनी मां सियोभान हैवलेट का ध्यान भटकाने और अनजाने में कार दुर्घटना में उसकी मौत हो जाने के कारण वह पंद्रह वर्षों तक अपराध बोध से जूझ रही है इस दुर्घटना के कारण वह अपनी जुड़वा बहन लुसी से अलग हो गई एक दिन मीना को बेलफास्ट के एक चिड़ियाघर में एक मूल्यवान तोता पहुंचाने का काम सौंपा गया रास्ता भटक जाने के बाद उसकी कार खराब हो गई और वह जंगल के बीच में फंस गई वह मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है लेकिन फोन सिग्नल नहीं मिल पाता है और जब वह तोते को ले जाती है उसका नाम दाविन रखते हुए मदद ढूंढने की कोशिश करती है तो वह चक्कर लगाती रहती है मीना ने जंगल में एक बूढ़ी औरत को देखा उसका पीछा करते हुए उसे एक बनकर जैसी इमारत मिलती है जिसका उपनाम द कॉप है बूढ़ी आयरिश महिला मेडलिन ओल्वेन फोयरे अपना परिचय देती है और उसे अंदर लाती है जहां उसकी मुलाक़ात दो अन्य लोगों सियारा जॉर्जिना कैम्पेल और डैनियल ओलिवा फिनेगन से होती है मेडलिन बताती है कि द वॉचर्स नाम के रहस्यमय जीव हैं जो हर रात एक तरफा दर्पण वाली खिड़की के दूसरी तरफ से उन्हें देखते हैं मेडलिन बताती है कि पालन करने के लिए नियम हैं चौकीदार रात में आश्रय के बाहर किसी को भी मार देंगे उन्हें रात के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए और उन्हें कभी भी बरोज में प्रवेश नहीं करना चाहिए समूह कई महीनों से बिना किसी चौकीदार के जंगल में फंसा हुआ है मैडलीन का दावा है कि एक चौकीदार की नज़र ही उन्हें मारने के लिए काफ़ी होगी कॉप में करने योग्य एकमात्र काम एक दूसरे से बात करना चित्र बनाना पढ़ना और रियलिटी डेटिंग शो द ले ऑफ लव की डीवीडी को बार बार देखना है सियारा मीना को बताती है कि उसका पति जॉन एलिस्टेयर ब्रैमर कुछ दिन पहले कॉप छोड़ गया था लेकिन वापस नहीं लौटा है समूह दिन के समय आश्रय छोड़ सकता है जो केवल कुछ घंटों तक रहता है भोजन के लिए बाहर निकलने और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का प्रयास करने के लिए मीना डेनियल को भूमिगत सुरंगों बुरों का पता लगाने के लिए मनाती है जहां सूरज की रोशनी से घृणा के कारण वॉचस दिन के दौरान पीछे हट जाते हैं ऊपर से आने वाली रोशनी और टार्च में रहने का ध्यान रखते हुए नीचे की गुफा में मीना को एक वॉचर से बाल बाल बचने से पहले एक कैंकोडो सहित कई चीजें मिलती हैं उस रात जॉन को कॉप के बाहर दस्तक देते और बुलाते हुए सुना गया लेकिन मैडलिन ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया मीना ने एक वॉचर को पकड़ने के लिए कैमकॉर्डर स्थापित किया है और समूह जोर देकर कहता है कि जॉन खुद को कैमरे पर दिखाए जब जॉन सियारा के सामने खुद को सत्यापित करने में विफल रहता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसे घसीटा गया है वॉचर्स दर्पण तोड़ देते हैं और मैडलिन उन्हें नियम तोड़ने के लिए डांटती है अगले दिन मैडलिन ने वॉचर्स को खुश करने के लिए आइटम को बरों में वापस कर दिया जैसे ही सर्दियां गिरती हैं समूह एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण होने लगता है पागलपन के एक क्षण में डेनियल रात में मीना और मेडलिन को कॉप से बाहर बंद कर देता है जिससे उन्हें जंगल में एक तात्कालिक मांध में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है वे वॉचेस मानव सदृश प्राणियों को देखते हैं जो नकल करते हैं और कॉप के रहने वालों में बदल सकते हैं मेडलिन और मीना की अनुपस्थिति पर जीव गुस्से में प्रतिक्रिया करते हैं ये जोड़ी कॉप में लौटती है और मेडलिन बताती है कि वॉचर्स आकार बदलने वाली परियां हैं जो इंसानों की नकल करना सीखने की कोशिश कर रही हैं समूह को कॉप के कालीन के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है वॉचर्स के हमले से पहले वे इसके माध्यम से भाग जाते हैं एक सीढ़ी के नीचे उन्हें एक भूमिगत अध्ययन कक्ष मिलता है एक पुराने डेस्क कंप्यूटर पर मीना कॉप के निर्माता प्रोफेसर रोरी किलमार्टिन जॉन लिंच की वीडियो डायरियों की एक श्रृंखला चलाती है किलमाटिन जीवों का अध्ययन करने के लिए जंगल में आए और उनमें से एक को पकड़ने में कामयाब रहे उसके साथ संबंध बनाते हुए अपनी अंतिम प्रविष्टि में निराश प्रोफेसर बताते हैं कि जंगल के ऊपर किसी भी पक्षी की उड़ान का अनुसरण करते हुए जंगल से कैसे भागना है वीडियो उसके इस अनुरोध के साथ समाप्त होता है कि उसके शोध को नष्ट कर दिया जाए और पकड़े गए वचौर खुद को मारने के लिए सीढ़ी पर वापस कॉप में चढ़ जाए समूह अपनी आखिरी रात बिताता है जिसमें सियारा और डैनियल कैंडीस्टेटन के यंग रन फ्री पर नृत्य करते हैं और मीना मैडलिन को बताती है कि उसकी मां के साथ क्या हुआ था अगले दिन समूह प्रोफेसर के निर्देशों का पालन करता है साथ ही उनके द्वारा बनाए गए पेड़ के माकर भी और वे जंगल के किनारे नदी तक मार्गदर्शन करने के लिए डाविन और अन्य पक्षियों का उपयोग करते हैं रास्ते में एक पत्थर का निशान मिलने के बाद मैडलिन ने बताया कि वॉचेस परियां हैं जिन्हें उनके पंखों से वंचित कर दिया गया भूमिगत कर दिया गया और जंगल में कैद कर दिया गया और इंसानों ने लंबे समय तक उनके खिलाफ युद्ध किया है अंधेरा होने पर समूह को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है लेकिन वे समय रहते नदी और प्रोफेसर की नाव तक पहुंच जाते हैं लेकिन डैनियल पीछे रह जाता है और वॉचर्स द्वारा उसे मार दिया जाता है मीना मेडलिन और सियारा नाव में चढ़ते हैं यह महसूस करते हुए कि जीव तैर नहीं सकते हैं और वे एक वॉचर को जॉन की नकल करते हुए और दूसरे को डैनियल में बदलते हुए देखकर चौंक जाते हैं मीना प्रोफेसर के नोट्स को नष्ट करने के लिए उसके विश्वविद्यालय जाती है उसे पता चलता है कि मनुष्य और परियां एक समय सद्भाव में रहते थे कुछ तो संभोग भी करते थे और ऐसी संकर संतानें पैदा करते थे जो दिन के उजाले का सामना कर सकती थीं फिर वह सियारा की तस्वीरें दिखाती है जिससे पता चलता है कि मैगलिन प्रोफेसर की दिवंगत पत्नी थी मैगलिन वह चौकीदार है जिसे प्रोफ़ेसर ने पकड़ लिया और अंततः उसी में बदल दिया लेकिन असली सियारा आने पर सियारा के छद्वेशी मैडलिन होने का पता चलता है मैडलिन ने अपना रूप बदल लिया सियारा को बाहर कर दिया और मीना पर हमला कर दिया मैडलिन ने उन्हें बताया कि वह वॉचर्स के बीच बहिष्कृत थी क्योंकि वह दिन के उजाले में बाहर जा सकती थी और वह मीना को मारने और उसकी जगह लेने की योजना बना रही थी मीना ने मैडलिन की स्थिति को आधे मानव संकर के रूप में प्रकट किया उसे मनुष्यों के प्रति अपनी नफरत को दूर करने के लिए राजी किया और कहा कि उसके जैसे अन्य लोग भी हो सकते हैं मैडलिन के पंख और पत्तियां हो गईं बाद में मीना लूसी के साथ मेल मिलाप कर लेती है इस बीच मेडलिन एक मानव बच्चे के रूप में मीना पर नजर रखती है इसमें यंग मीना के रूप में हन्ना डार्गन यंग लूसी के रूप में एमिली डार्गन डाविन की आवाज के रूप में जोयल फिग्वेरो न्यूजकास्टर के रूप में थाबिले मिशेल हलौनवन बक के रूप में एंथनी मॉरिस कोलिन के रूप में शेनो रेगन और आवाज के रूप में सीन टी ओ माइलेग ने अभिनय किया है एक चौकीदार का फैनिंग फोरे लिंच और अन्य का प्रदर्शन ठीक है पटकथा भद्दी है डराने वाले कम और नीरस हैं कथानक खराब है और ट्विस्ट जैसे पिता जैसे बेटी वास्तव में काम नहीं करते हैं एकमात्र अच्छी बात यह थी कि एबेल ए बिल्कोनियकी का डरावना स्को था अन्यथा यह एक नीरस निराशाजनक और केवल देखने लायक अलौकिक और था ठीक है अब मेरी आयरिश भूगोल शानदार नहीं है लेकिन मुझे ये भी पता है कि गोल्वे से बेलफास्ट तक ड्राइव करने में लगभग चार घंटे लगते हैं और इसमें कोई जंगल का रास्ता शामिल नहीं है फिर भी पालतू जानवर की दुकान में काम करने वाली कर्मचारी मीना दकोटाफेनिंग जो अभी हाल ही में हुई एक त्रासदी से जूझ रही है अपनी दुर्लभ पीली चिड़िया के साथ निकलती है ताकि उसकी कार एक प्राचीन जंगल के बीच में खराब हो जाए फोन रिसीव न होने के कारण उसने अपनी कार छोड़ने का फैसला किया और पिंजरे में बंद पक्षी को अपने साथ लेकर मदद के लिए चिल्लाते हुए पेड़ों के बीच घूमने लगी व्यर्थ खैर नहीं जैसा कि होता है क्योंकि वह सौभाग्य से मेडलिन फोएरे से मिलती है जो डेनियल ओलिव फिन्नेगन और सियारा जॉर्जिना कैम्बेर के साथ एक बड़े कंक्रीट बनकर में रहती है ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी जंगल में फंसे हुए हैं और सूर्यास्त के बाद देखने वालों से आश्रय ले रहे हैं ये रहस्यमय प्राणी हैं जो हर रात थोड़ी देर के लिए एक बड़े बड़े एक तरफ़ा दर्पण के माध्यम से अपने मेहमानों को देखना और देखना पसंद करते हैं मीना भागने के लिए कृतसंकल्प है और डैनियल की मदद से उसके पास एक योजना है लेकिन यह उनके बंधकों को इस हद तक परेशान कर देता है कि उनका तख्तापलट अब सुरक्षित नहीं है अरे लेकिन रुकिए फर्श पर एक पंडुबी हैच है और जब वे नीचे जाते हैं तो उन्हें और भी बहुत कुछ पता चलता है कि उनके दुश्मन कौन हैं वे क्या चाहते हैं और पेड़ों के नीचे परमाणु फॉल आउट आश्रय के बराबर किसने बनाया है क्या वे इस जानकारी का उपयोग जाल से बचने और आज़ादी पाने के लिए कर सकते हैं कभी कभी यह अपने अंधेरे और जंगली परिवेश के साथ काफ़ी खतरनाक होता है जो एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के प्रति द्वेष की डिग्री जोड़ता है जिसे हम वास्तव में कभी नहीं देखते हैं और जिसकी गैलिक पौराणिक उत्पत्ति निराशाजनक रूप से कम है इसे कुछ बार समाप्त करने का प्रयास किया गया है लेकिन फिर यह संकेत देने के लिए थोड़ा और जोड़ने के लिए वापस आता है कि मैंने क्या सोचा था कि साहसिक कार्य को पूरी तरह से समाप्त करने के बजाय जल्द ही एक अगली कड़ी होगी ये भयानक नहीं है और फैनिंग पर्याप्त रूप से काम करता है जैसा कि खूबसूरत पीली चिड़िया करती है लेकिन आप इसे कभी याद नहीं रखेंगे ऐसा क्यों है कि जंगल में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है जंगल का बुरा हाल हो रहा है बेहतर होगा कि आप किसी फ़िल्म में ये कहें कि आप फालूजा जा रहे हैं बजाय ये कहने के कि आप जंगल में जा रहे हैं द वॉचर्स में मीना कोटा फैनिंग आयरलैंड के जंगलों में घूमने जाती है अगर हम ईमानदार रहें तो उसका वहां पहले से कोई काम नहीं था जिस सड़क पर वह गाड़ी चला रही थी वह मिलों पहले सड़क नहीं रही थी इसलिए टायर फटने जैसी साधारण चीज़ से भी उसे परेशानी होने वाली थी एक बार जब वह एक निश्चित बिंदु पर पहुंची तो कार बंद हो गई और उसका फ़ोन ख़राब हो गया इससे काफ़ी हद तक चेतावनी मिलनी चाहिए थी कि चीजें सही नहीं हैं लेकिन उसने मदद की तलाश में जंगल में अंदर जाने का फ़ैसला किया उसने पाया कि वह पूरी तरह से खोई हुई थी यहां तक कि उसे अपनी कार का पता भी नहीं चल पाया था सौभाग्य से उसे मैगलिन ओल्वेन फोरे नाम की एक महिला ने ठीक समय पर बचा लिया मैगलिन उसे एक कंक्रीट संरचना में ले गई जहां उसने तेज तेजटरटर और चीख पुकार के करीब आने से ठीक पहले एक भारी स्टील के दरवाजे को बंद कर दिया वहां मेडलिन ने मीना को सियारा उच्चारण की रात जॉर्जिना कैम्पबेल और डैनियल ओलिवर फिनेगन से मिलवाया उन्होंने मीना को शीशे की ओर मुंह करने को कहा जो उनके सुविधाजनक स्थान से एक बड़े दर्पण जैसा दिखता था अगले दिन मीना फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकली पूरा दिन जंगल में घूमने और फिर से खो जाने के बाद मीना को समझाया गया कि वे नहीं जा सकते जंगल भ्रमित करने वाला था और रात होते होते वॉचर्स बड़े पेनोरामिक टू वेमर वाली इमारत में किसी भी ऐसे व्यक्ति को मार देते थे जो सुरक्षित नहीं था ताकि कुछ जीव उसे देख सकें ये ईशाना नाइट श्यामलान की पहली फिल्म थी यदि नाम परिचित लगता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नाइट श्यामलिन की बेटी है अपने पिता की तरह वह मजबूती से गेट से बाहर निकली मुझे ये रहस्यपूर्ण हौरा पसंद आया इसमें मुझे बांधे रखने के लिए पर्याप्त रहस्य और भय था ये इट्स कम्स एट नाइट जैसा था लेकिन बेहतर था पहरेदार क्या थे वे कहाँ से आए थे चारों बंदी क्या करने जा रहे हैं ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो देखते समय मेरे मन में थे उन सभी का उत्तर मिलता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें संतोषजनक उत्तर मिलता है मैंने कल रात सिनेमाघरों में द वॉचर्स 2024 देखी कहानी एक युवा महिला की कहानी है जिसकी कार गलत क्षेत्र में खराब हो जाती है जिससे वह प्रेतवाधित जंगलों में गिर जाती है जहां जीवित रहने का एकमात्र तरीका खिड़की के सामने खड़ा होना और रात में देखा जाना है जबकि दिन के दौरान संसाधनों की तलाश करना है वह नहीं मानती कि जीने का यही एकमात्र तरीका है या वहां कुछ भी है इसलिए वह चीजों का पता लगाने और यह पता लगाने की योजना बनाती है कि उनकी स्थिति कितनी वास्तविक है ईशाना श्यामलिन सर्वेंट द्वारा निर्देशित उनके प्रमुख मोशन पिक्चर डेब्यू में फिल्म में द कोटा फैनिंग वॉर ऑफ द वर्ल्ड ओलवेन फाउरे द नॉर्थमैन और जॉर्जिना कैम्पेल बार्बेरियन ने अभिनय किया है ये फ़िल्म लगभग हर तरह से एम नाइट श्यामलिन की फिल्म जैसी लगती है सिनेमेटोग्राफी कैमरा एंगल सेटिंग्स और बैकग्राउंड को खूबसूरती से शूट किया गया है फिल्म विजुअली शानदार है कहानी अनोखी है और शुरू से अंत तक आपकी दिलचस्पी बनाए रखती है इसमें प्राणियों को भव्यता से प्रस्तुत किया गया है कुछ महान हत्या दृश्य हैं जो ठोस हैं लेकिन डरावनी उत्साही लोगों के लिए बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता था अंत में कई स्मार्ट मोड़ हैं जिन्होंने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया लेकिन नाइट श्यामलिन फिल्म की तरह मैं इस बात को लेकर अनिश्चित था कि मुझे अंत पसंद आया या नहीं अंत में द वॉचर्स इशाना श्यामलिन की एक शानदार परिचयात्मक फिल्म है जिस पर उन्हें गर्व होना चाहिए यह फिल्म एक स्मार्ट और जटिल कहानी और सार्थक सामग्री के साथ सावधानीपूर्वक बनाई गई है मैं इसे साथ माइनस सात दशमलव पांच दस अंक दूंगा और इसकी पुरजोर अनुशंसा करूंगा इस फिल्म में कई अच्छी बातें थीं तो कुछ बुरी भी आइए अच्छे से शुरुआत करें आयरिश सेल्टिक पौराणिक कथाएं अच्छे अभिनेता अच्छे सेट अच्छा उत्पादन मूल्य जैसा कि कहा जा रहा है कहानी बहुत पूर्वानुमानित थी अन फिल्म का अब तक का सबसे कमज़ोर हिस्सा होने के कारण एक चुप गया अवसर था कहानी का कोई मतलब नहीं था ऐसा नहीं है कि मैं फे क्या है इसके विवरण में उलझ गया हूं बात यह है कि उन्हें बुद्धिमान प्राणी और क्रूर शिकारी जानवर दोनों के रूप में चित्रित किया गया था ऐसी कई अपेक्षाकृत नई किताबें हैं जो इसे अधिक सुसंगत और मनोरंजक तरीके से पेश करती हैं उदाहरण के लिए द कॉल देखें पीडो बुलेन द्वारा और फिर पात्र हैं असंगत भावनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने की आवश्यकता से ठीक पहले ही सामने आ गए इत्यादि मैं ये भी नहीं कह सकता कि दिशा खराब थी मुझे इससे या संपादन से कोई आपत्ति नहीं थी तो हो सकता है कि श्यामलिन की बेटी के पास पहले से ही वह सब कुछ हो जो एक निर्देशक के रूप में होना चाहिए ये वह कहानी है जिसके कारण बहुत बड़ी निराशा हुई इसलिए शायद वह उतनी अच्छी लेखिका नहीं है निचली पंक्ति कथानक और चरित्र चित्रण में बहुत कुछ बाकी था लेकिन फ़िल्म के लिहाज़ से बाकी सब ठीक था निर्देशन की पहली फिल्म होने के नाते मैं ईशाना श्यामलिन को एक ब्रेक देने को तैयार हूं और अगली फ़िल्म में सुधार की उम्मीद करता हूं एक दिलचस्प पटकथा सेटअप का एक जंबो जिसमें काफ़ी अच्छा फ़िल्मांकन फोटोग्राफी और कुछ हद तक संतोषजनक है लेकिन पहले से ही दृश्य और विशेष देखा गया है प्रभाव मैं जिस भी प्रोडक्शन में ओलवेन फोरे को देखता हूं मुझे आश्चर्य होता है कि वह उस फी के लकड़ी के चेहरे और नीरस अभिनय के साथ इतनी दूर तक कैसे पहुंची दकोटा फैनिंग अपने बचपन के अभिनय में जितनी शानदार थी दुर्भाग्य से वह वयस्कता में एक पुतली चेहराविहीन प्रतिभाहीन अभिनेत्री बन गई और यह फिल्म भी इसका अपवाद नहीं है आप पूछेंगे कि निर्माता के रूप में एम श्यामलिन और निर्देशक के रूप में उनकी बेटी क्या गलत हो सकता है प्रतिष्ठित अधिकारियों के तहत हमें एक अविस्मरणीय और अवास्तविक फैंटेसी हॉरर थ्रिलर की पेशकश की जाती है कभी कभी पूर्णिया मिश्रित खून मनोवैज्ञानिक रूप से असंतुष्ट प्राणी मंबो से बेहतर होता है पटकथा कहानी कथानक चार उत्पादन मूल्य प्रभाव पांच दशमलव पांच विकास चार दशमलव पांच यथार्थवाद चार दशमलव पांच मनोरंजन चार अभिनय छह फिल्मांकन फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी सात वी एफ एक्स सात दशमलव पांच संगीत स्कोप ध्वनि छह गहराई पांच तर्क दो दशमलव पांच प्रवाह चार दशमलव पांच फैंटेसी दरावनी रहस्य रोमांचक नाटक चार दशमलव पांच अंतर तीन दशमलव पांच मैं हमेशा से शामलन का प्रशंसक रहा हूं यहां तक कि उनकी खराब फिल्में भी आमतौर पर मनोरंजक होती हैं लेकिन मैं ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि उनकी बेटी को एक व्यापक रूप से रिलीज हुई नाटकीय फिल्म में निर्देशक की भूमिका दी गई इसे देखने के बाद मैं इस निर्णय से चकित हूं स्टूडियो द्वारा जिसने इसकी अनुमति दी और उसके पिता द्वारा भी कचरे के इस ढेर के साथ अपना करियर शुरू करने के लिए यह फिल्म शुरू से अंत तक भयानक है कुछ भी समझ में नहीं आता पात्र लगातार नियमों और पिछली कहानी की व्याख्या करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता और वे पूरी तरह से यादृच्छिक लगते हैं पात्र बिना किसी कारण के व्यवहार बदलते हैं वे उल्लेख करते हैं कि जंगल आपके भीतर की सबसे बुरी स्थिति को सामने लाता है लेकिन उसे एक घटना के अलावा वह कभी भी सामने नहीं आता है ये बेहद बेवकूफ़ी भरा भी है कुछ उदाहरण ये लोग आठ जोड़ महीनों तक हर रात एक कमरे में फंसे रहते हैं और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता और फिर भी उनमें से किसी ने भी उस एक कमरे में ये देखने के लिए खोजबीन नहीं की कि वहां कुछ छिपा तो नहीं है आप कितने मूर्ख हो सकते हैं मैं लेखकों से पूछ रहा हूं दूसरे क्षण में उन्हें ढेर सारी जानकारी मिल जाती है जो उनकी स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है एक पात्र कहता है हमें इसे देखने की ज़रूरत नहीं है और चला जाता है यह मूर्खतापूर्ण है जैसा कि यह फिल्म है मीना डकोटा कोटा फैनिंग अपने मालिक के लिए एक बातूनी तोता लेकर बहुत हरे भरे आयरिश जंगल में खो गई है वह पक्षी को बताती है कि उसे नजर में रखा जाना पसंद नहीं है फिर भी वह तीन अन्य गरीब आत्माओं के साथ द कॉप नामक एक दूरदराज की झोंपड़ी में पहुंच जाती है जिसे अमानवीय लोगों की एक अजीब जाति द्वारा रात में देखा जाता है डैनियल स्मार्थ स्टिपणियों से बच नहीं सकता है सियारा एक प्रेमिका है और सबसे महत्वपूर्ण बात मेडलिन ओल्विन फोरेक शुरू से ही एक अलौकिक संदिग्ध है मीना को अजीब लोगों की बात माननी होगी जब वे चाहते हैं कि कैदी उनके जैसा प्रदर्शन करें मीना की पसंद के अनुसार नहीं लेखक निर्देशक क्रिस नैश ने प्रदर्शन के लिए समर्पित अपनी ताक झांक टीम की शुरुआत एक ऐसी दुनिया में की है जहां फ़ेसबुक और अन्य आउटलेट समर्थन करते हैं आप चाहें या न चाहें कैद में रहने के दौरान उस पर नज़र रखी जाती है निर्देशक एम नाइट श्यामलिन की बेटी है इसलिए यह आवश्यक है कि उसके मंगणंत मूलों पर आश्चर्यचकित न हो और निराश न हो जब वह तीसरे एक्ट के रहस्योद्घाटन का सहारा लेती है जिनमें से कई वह एक्शन से ही स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो सकती हैं पहली बार के कप्तान के लिए बहुत अच्छा श्लेषर दिलचस्प मेरे मन में द वॉचड के बारे में विचार हैं मुझे नहीं लगता कि यह विशेष रूप से सफल है लेकिन साथ ही मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे इससे नफ़रत है आयरलैंड में रहने वाली एक अमेरिकी मीना डकोटा कोटाफेनिंग प्राचीन जंगलों से यात्रा कर रही है तभी उसकी कार अचानक ख़राब हो जाती है भटकावग्रस्त होने के बाद और सूरज ढलने के साथ वह मैगलिन ओल्वेन फोरेक को देखती है जो उसे एक अलग निर्माण में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है ये निर्माण एक कमरा है जिसकी दीवार पूरी तरह से एक तरफा कांच से बनी है जो लोगों को अंदर देखने की अनुमति देती है लेकिन निवासियों को केवल उनका प्रतिबिंब दिखाती है दो अन्य निवासियों क्लारा जॉर्जिना कैम्बेल और डैनियल ओलिवर फिन्नेगन के साथ चारों को एक अदृश्य समूह द्वारा खिड़की से देखा जाता है जबकि वे दिन के दौरान शिकार करने या आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए जंगल में सुरक्षित रूप से घूम सकते हैं उन्हें अंधेरा होने से पहले द कॉप पर वापस आना होगा दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही मुझे पता चला कि फ़िल्म आयरलैंड में चल रही है मैंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि देखने वाले क्या होंगे हालांकि बाकी समीक्षा के लिए मैं बिना स्पोयल के बात करने जा रहा हूं मैं कहूंगा कि बहुत कुछ देखने वालों के प्रकटीकरण पर निर्भर करता है और इसमें अच्छे और बुरे तत्व हैं आमतौर पर उन्हें अंधेरे में रखा जाता है हाथ इधर या हरकत उधर रात में एक दृश्य होता है जब वे छायाचित्र में एकत्रित होते हैं जो बहुत डरावना होता है हालांकि बाद में आपको बहुत बेहतर नजर आती है और उनकी सीजीआई नरमी मुझे निराशाजनक लगी फिल्मों की असफलता का सिद्धांत यह है कि आखिरकार यह उतनी डरावनी नहीं है ट्रेलर में आमतौर पर खौफनाक पल थेरेमिन रिकॉर्ड तालियां बजने वाले पल दिखाए जाते हैं मुझे आश्चर्य है कि शायद समस्याओं में से एक डकोटा फैनिंग की उसके साथ होने वाली हर चीज़ के प्रति उदासीन और उदासीन प्रतिक्रिया थी मुझे ये भी लगता है कि उत्कृष्ट भय का एक पहलू है जिसके साथ फिल्म जुड़ना चाहती है जिसमें मीना की अपनी मां की मृत्यु पर प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है जो उसकी प्रतिक्रिया का हिस्सा है मुझे लगता है कि मैंने अब तक फिल्म के बारे में काफ़ी नकारात्मक बातें कही हैं लेकिन इसमें कुछ छोटे सकारात्मक तत्व भी थे आमतौर पर मुझे निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी पसंद आई इस साल की दूसरी फिल्म के लिए ओल्वेन फोरे को डरावनी फिल्म प्रदर्शनी से बाहर रखा गया है और उन्होंने इसमें अच्छा काम किया है मैं शायद मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता लेकिन मुझे इससे नफरत नहीं थी श्रेणी में बेचैनी से बैठा हूं और मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि ईशाना नाइक शामलन आगे क्या करती है ठीक है ठीक है उन्होंने खुद को बचा लिया एक्ट वन अच्छा अधिनियम दो हास्यास्पद रूप से बुरा और तब आपको एहसास होता है कि जब उन्होंने समस्या का समाधान किया तब चौबीस मिनट बाकी थे डॉट डॉट अधिनियम तीन मामूली मोचन अधिकांश एम नाइट या एम नाइट आसन परियोजनाओं की तरह यह अधिकतर छूट जाता है जैसे भव्य बहुमत बुरे हैं या इतना बुरा वेद हैपनिंग के साथ हम नाइट के मेरे पसंदीदा के रूप में बहुत ही अविश्वसनीय और अनजाने में प्रफुल्लित करने वाले हैं यह उनकी बेटी है लेकिन वास्तव में ये फिर से एम नाइट है केवल मैं इस फिल्म को पास कर दूंगा बमुश्किल लेकिन चरमोत्कर्ष के लिए धन्यवाद यह अधिकांश से बेहतर था एक पेट शॉप गर्ल को एक पक्षी को बेवकूफ़ी से जंगल में ले जाने का काम सौंपा जाता है और वहां वह नाइट क्रिएचर्स और लोके दुस्वक्त में फंस जाती है वह अन्य बचे लोगों से मिलती है और वे जंगल के इस क्षेत्र को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे अंततः शांत न हो जाएं और छोड़ना न चाहें माना की फिल्म को आश्चर्यजनक रूप से शूट किया गया था बहुत बढ़िया नहीं लेकिन इसके कुछ पल थे अभिनय अच्छा था लेकिन कहानी दूसरे या तीसरे ड्राफ्ट की तरह लगी बिल्कुल नहीं लेकिन यदि समय सीमा हो तो सेवा योग्य है ये निश्चित रूप से सोने के समय की एक कहानी की तरह महसूस हुई जैसे डैडी नाइट अपनी कुछ कहानियों का वर्णन करता है जिसे एक पिता हर रात बनाता था ताकि उसके परजीवी अंततः सो जाएं मैं बस यही चाहता हूं कि यह परिवार एक रास्ता चुने या तो पूरी कोशिश करें या इसे सौ प्रतिशत काल्पनिक बनाएं ये हमेशा आधे अधूरे लगते हैं मुझे निश्चित रूप से इससे नफ़रत नहीं थी लेकिन मैं निश्चित रूप से इसे दोबारा कभी नहीं देखूंगा तारानकन 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 अंतिम विचार हालांकि मुझे उम्मीद है कि नाइट्स की इस मंजली बेटी को अपनी आवाज़ मिल जाएगी वर्तमान में वह काफ़ी हद तक डैडी की कार्बन कॉपी है और यह या तो औसत दर्जे का या वास्तव में खराब हो सकता है दोनों ही वांछनीय नहीं हैं मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी और फिल्म देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन मैंने वास्तव में पाया कि यह कभी कभी थोड़ा अतार्किक हो जाता है वह उस जंगल में कैसे आती है और कैसे अचानक प्रकट हो जाती है हम उस जंगल में गोता लगाते हैं और मुख्य समस्या रुचि दर्शक हैं एक अजीब राक्षस लेकिन मैं वास्तव में उसमें शामिल नहीं हुआ ये काफ़ी क्लासिक है और हमें कुछ बुनियादी तनाव मिला वास्तव में कुछ भी नया या ताज़ा नहीं मुझे वह हिस्सा तभी मिला जब हमें पता चला कि मैडलिन तहखाने में खोजकर्ता की पत्नी थी मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी इससे कुछ भी नहीं बदला लेकिन लुकाछिपी के कारण फिल्म की कहानी रुक जाती है क्योंकि कहानी आगे नहीं बढ़ पाती है वैसे भी बहुत निराश हूं और कुछ और की उम्मीद थी लेकिन वैसे भी इस साल की शुरुआत में दूसरी एम नाइट श्यामलिन फिल्म यहम की बेटी ईशाना नाइट की है जिसने यहाँ एक एम शाइन के एक उपन्यास की पटकथा लिखी है जिसमें गरीब डकोटा फेनिंग एक अमेरिकी प्रत्यारोपण का पता चलता है आयरलैंड में एक पालतू जानवर की दुकान पर काम करते हुए जिसे एक ग्राहक को तोता पहुंचाने का काम मिलता है जहाँ वह खुद को जंगल के बीच में टूटा हुआ पाती है अपने तोते को लेकर वह एक ऐसी संरचना ढूंढती है जहां रहने वालों की तिकड़ी है जॉर्जीना ओलवेन फोरे और ओलिवर फिन्नेगन बताते हैं कि वह कुछ प्राणियों की दया पर फंसने के लिए उनके साथ शामिल हो गई हैं जो पिंजरे में पालतू जानवरों की तरह उनका अध्ययन करते हैं जबकि दिन के दौरान वे उस क्षेत्र में भागते हैं जिसकी परिधि में बाढ़ लगी हुई है कथा के दौरान फैनिंग दूसरों को भागने के लिए मनाने की कोशिश करती है भले ही एक कॉलेज प्रोफेसर फुएरे को बंधक बनाने वालों के बारे में जितना वह बता रही है उससे कहीं अधिक जानती है और लगातार उन्हें ऐसा करने से रोकती है जीवों के सामूहिक हमले के बाद अंततः वे संरचना के नीचे एक बनकर में भाग गए साइट के निर्माता जॉन हन्ना द्वारा बनाई गई रिकॉर्डिंग की खोज की गई जो कहते हैं कि यह क्षेत्र परियों से प्रभावित है जो मनुष्यों द्वारा गुमनामी में पढ़ने के बाद उन पर अविश्वास कर रहे हैं और अब एक रास्ता बना रहे हैं प्रतिशोध लेकर वापस आओ श्यामलिन अपने पिता से एक मोटा पृष्ठ लेते हुए कुछ हिचकोकियन स्पर्शों के साथ अपनी शुरुआत करती है फैनिंग एक गोरी तोते को उसके खरीदार के पास ले जाती है जो द बड्स में बोदेगा बे के लिए टिप्पी हेनरियन के शुरुआती दांव की बुआती है और जब फिल्म नहीं चलती है प्रदर्शनी डम का एक स्पष्ट खेल कुछ वातावरण काम करता है लेकिन यहाँ और वहां कुछ ट्रिमिंग ने फिल्म को और अधिक प्रभावी बना दिया है लेकिन श्यामलिन रगों में प्रतिभा दौड़ रही है मीना द कोटाफैनिंग उत्तरी आयरलैंड में रहने वाली एक युवा अमेरिकी महिला है एक पालतू जानवर की दुकान पर काम करना जो अपनी मां की मृत्यु के कारण अपनी बहन लुसी द कोटाफेनिंग से अलग हो गई है बेलफास्ट के एक चिड़ियाघर में गोल्डन कॉनकोर पहुंचाने के रास्ते में एक अजीब ताकत उसे घने जंगली इलाके में ले जाती है जहां कार में परेशानी के बाद वह जल्द ही खो जाती है और जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है जंगल में घूमते हुए उसकी मुलाक़ात तीन लोगों मेडलिन ओलवेन फोरे डैनियल ओलिवा फिनेगन और सियारा जॉर्जिना कैम्पेल के एक समूह से होती है जो द कॉप नामक एक बड़े बॉक्स के आकार की संरचना में रह रहे हैं जहां द वॉच के नाम से जाने जाने वाले जीव रहते हैं हर रात खिड़की से उनका निरीक्षण करें जीवित रहने के लिए समूह सख्त नियमों का पालन करता है जिसमें कभी भी खिड़की की ओर पीख न करना रोशनी में रहना और रात में बाहर निकलने से बचना और वॉचस के बिलों से दूर रहना शामिल है जहां वे दिन के दौरान आराम करते हैं द वॉचर्स प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एम नाइट श्यामलिन की बेटी ईशाना नाइट श्यामलिन का पहला लेखन और निर्देशन प्रयास है जिन्होंने फिल्म का निर्माण और वित्तपोषण किया था फिल्म को एम शाइन के इसी नाम के 2021 के उपन्यास से रूपांतरित किया गया है जिसे श्यामलिन की प्रोडक्शन कंपनी ब्लाइंडिंग एज पिक्चर्स ने अनुकूलन के लिए चुना था जिसमें ईशाना नाइट ने अपने फीचर डेब्यू में फ़िल्म का निर्देशन किया था हालांकि इस घोषणा के कारण मीडिया में नवभौतिकीवाद के बारे में बड़े पैमाने पर और बल्कि अवांछनीय हंगामा खड़ा हो गया ध्यान रखें कि नाइट श्यामलिन ने आफ्टर अर्थ के बाद से अपनी सभी फिल्मों को खुद ही वित्त पोषित किया है और ऋशाना नाइट ने नौ नौके दमे दूसरी इकाई के निदेशक के रूप में अपने पिता के अधीन काम किया है केबिन और ओल्ड के साथ साथ टीवी श्रृंखला सर्वेंट के एपिसोड का लेखन और निर्देशन भी किया द वॉच ईमानदारी से एम नाइट श्यामलिन के सामान्य मानकों के अनुसार एक अच्छी तरह से बनाई गई और पॉलिश की गई फिल्म है लेकिन इसमें श्यामलिन की शैली की कई कमजोरियां भी हैं साथ ही एक स्क्रिप्ट भी है जो अपनी स्रोत सामग्री को अपनाने के लिए संघर्ष करती नजर आती है मूड और माहौल स्थापित करने के संदर्भ में मुझे लगता है कि ईशाना नाइट शामलिन ने फिल्म को दृश्य रूप से दिलचस्प बनाए रखने और घने जंगली स्थान से बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने का एक ठोस काम किया है जहां फिल्म का अधिकांश भाग होता है माना कि यह कुछ हद तक एक बोतल फिल्म की तरह महसूस होता है लेकिन मैंने ये भी देखा है कि इस तरह का आधार कितना उल्टा असर डाल सकता है जैसे कि स्टीफन किंग अनुकूलन इन द टॉल ग्रास और यह काफी हद तक उस सेटअप के नुकसान से बचा जाता है हालांकि यह फ़िल्म नाइट श्यामलिन की फ़िल्मों की तरह अच्छी तरह से वायुमंडलीय है लेकिन इसमें बहुत कमज़ोर अभिनय तार्किक गलतियों वाली कहानी और एक ऐसी कहानी जैसी कमजोरियां भी हैं जो आगे बढ़ने के साथ साथ उत्तरोत्तर नीरस होती जाती हैं हालांकि मैंने किताब नहीं पढ़ी है और मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता कि क्या ये मुद्दे स्रोत सामग्री में अंतर्निहित हैं या नहीं स्क्रीन पर वे अक्सर पहले से ही उच्च अवधारणा वाले आधार पर जांच को आमंत्रित करते हैं जो वास्तव में दर्शकों को आकर्षित किए बिना बहुत गंभीरता से खेलता है ये द वॉचर्स के पीछे एक बहुत भारी पौराणिक कथा है और हालांकि यह अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है लेकिन जिस तरह से इसे बहुत तेज़ और ढीले आंतरिक तर्क के साथ दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है वह अक्सर दर्शकों को सवाल करने पर मजबूर कर देता है कि कुछ कैसे संभव है इसके द्वारा विसर्जित होने के बजाय अभिनेता पूरे रन टाइम के दौरान एक बहुत ही अजीब भ्रम की भूमिका निभाते हैं और ऐसे प्रमुख मुद्दे भी हैं जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे घटित हुए या नहीं घटित हुए क्योंकि कहानी को एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित रास्ते पर जाने का औचित्य साबित करने की आवश्यकता थी भले ही ऐसा न हुआ हो इसमें आंतरिक तर्क है मैं ईमानदारी से चाहता हूं कि मुझे द वॉचेस मुझसे ज़्यादा पसंद आए क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो ये काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया है और एक दिलचस्प भूक के साथ कि मुझे इसमें दिलचस्पी थी कि यह कहा जा रहा है लेकिन इसके खत्म होने के बाद क्रम में दो अंश जैसा महसूस होता है मैंने खुद को उन विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए पाया जिनका कोई मतलब नहीं था न कि जो चीज़ें काम करती थीं मैं ईशाना नाइट शामलिन को एक और फिल्म में काम करते देखना चाहता हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि उनमें क्षमता है लेकिन उनके काम में कुछ अतिरिक्त निखार की जरूरत है मुझे लगता है कि यह बहुत अद्भुत है कि नाइट श्यामलिन की बेटी बड़ी होकर एक फ़िल्म निर्माता बन गई है मैं बस उसके बचपन की कल्पना कर सकता हूं वह अपने पिता की सभी अविश्वसनीय फिल्में देखकर बड़ी हुई होगी और यह जानती होगी कि एक दिन वह क्या करना चाहती थी और फिर आपको पहले हाथ से सिखाने के लिए स्वयं गुरु का होना आपके द्वारा और अधिक क्या पूछा जा सकता है मैं वास्तव में इस फिल्म को पसंद करना चाहता था लेकिन यह मेरे काम नहीं आए आप देख सकते हैं कि ईशाना श्यामलिन का उनके प्रारंभिक वर्षों में उन पर कुछ अविश्वसनीय प्रभाव रहा है क्योंकि यह फ़िल्म बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है ये देखने में सुंदर है और जिस तरह से कुछ शॉट्स बनाए गए हैं वह किसी उत्कृष्टता से कम नहीं है इस फिल्म की समस्या इसकी बेतुकी कहानी में है मैं समझता हूं कि यह एक किताब पर आधारित था और मैं इसे किताब के रूप में काम करते हुए देख सकता हूं क्योंकि जब आपको स्वयं ऐसी किसी चीज़ की कल्पना करनी होती है तो आपका मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से इसे ऐसे तरीके से करता है जो आपके लिए समझ में आता है हालांकि किसी और के संस्करण को फिल्म के रूप में देखना एक कठिन समस्या है और इसी कारण से फिल्म को इतनी गंभीरता से लेना कठिन था मैंने इसे खरीदने की कोशिश की मैंने वास्तव में इसे खरीदा लेकिन यह संभव नहीं था इसलिए मुझे इन किरदारों के लिए कभी डर नहीं लगा और मुझे इस बात की कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कहानी कहाँ तक जाएगी इसने मेरे पास समझने के लिए बहुत कुछ नहीं छोड़ा फिर भी पहली फिल्म के प्रयास के लिए यह अन्य सभी से बेहतर है और यहाँ काफी उम्मीदें हैं मुझे यकीन है कि अगर ईशाना शामलान को सही स्क्रिप्ट हाथ लगती है तो वह उसमें कुछ खास करेंगी पांच बटा दस पालतू जानवरों की दुकान की कर्मचारी मीना इस रहस्यमय आयरिश जंगल में खो जाती है जब एक पक्षी को जन्म देने के रास्ते में उसका नेविगेशन रास्ता भटक जाता है और उसकी कार खराब हो जाती है अकेले मीना पक्षी के साथ चलती है जब तक कि अंततः उसका सामना तीन व्यक्तियों सियारा मेडलिन और डैनियल में से एक से नहीं हो जाता ये तीनों उसी अनुष्ठान का पालन करते हुए रात को जंगल में फंस गए हैं वे ख़ुद को एक कमरे की इमारत में बंद कर लेते हैं जिसमें एक तरफा कांच की दीवार होती है ताकि वे अंधेरे के बाद उन चीजों पर नज़र रख सकें जिन्हें वे देखने वाले कहते हैं मेडलिन एक सेवानिवृत्त इतिहास शिक्षक हैं जो सबसे लंबे समय तक जंगल में रहे हैं वक्त नियमों की हिस्सेदार है अंधेरे के बाद उन्हें कॉप में होना चाहिए कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल सकता है और उन्हें गुफ़ाओं से दूर रहना चाहिए ऐसे पैरामीटर हैं जो किसी भी दिशा में दिन के एक तिहाई भाग को वापसी न करने योग्य बिंदु की चेतावनी देते हुए चिन्हित करते हैं जिसके बाद कोई भी वापस नहीं आता है जैसे सियारा का पति जॉन जो लापता है नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मीना डैनियल को उसे निश्चित गुफाओं में से एक में ले जाने के लिए मना लेती है जहां उसे एक साइकिल और एक कैमरा मिलता है जिससे मीना और मैडलिन सहित वास्तव में द वॉचर्स को देखने सहित व्यापक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है मैं संभावित रूप से ट्विस्ट को बर्बाद किए बिना आपको कथानक के बारे में और कुछ नहीं बता सकता लेकिन इतना कहना पर्याप्त है कि मैंने पौराणिक बदलती कहानी और कहानी के भीतर प्रोफेसर की भूमिका का आनंद लिया ओल्वेन फोरे और डकोटा फेनिक दोनों ने अपनी भूमिकाओं में अद्भुत काम किया मैंने नहीं सोचा था कि इसमें नाइट श्यामलिन की फिल्म जैसा दम है लेकिन इसने मेरी दिलचस्पी बरकरार रखी हल्के रहस्य या शायद फैंटेसी के प्रशंसक इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं मुझे एक गहरी कहानी या एक बड़ा मोड़ चाहिए बिल्डअप अच्छा है रंग ग्रेडिंग पूरा सेटअप बिंदु पर टोन को प्रभावित करता है और मुझे वास्तव में ये पसंद आया कि जंगल और उसके निवासियों के आसपास के रहस्य को पहले दो के लिए कितनी अच्छी तरह बरकरार रखा गया है कार्य हालांकि तीसरे में सब कुछ थोड़ा जटिल हो जाता है और कथित अदायगी एक प्रभाव छोड़ने में विफल रही हालांकि इसका नाटकीय प्रवचन को संभालने में निर्देशक की असमर्थता या अनुभवहीनता से अधिक लेना देना था बजाय इसके की क्या पेशकश कर रही थी स्रोत सामग्री का पक्ष जब भी स्क्रिप्ट किसी और थरिल घटक से संबंधित होती है तो नवोदित कलाकार के रूप में ईशाना नाइट शामलिन ने सराहनीय काम किया है वह जानती है कि तनाव कैसे पैदा किया जाता है ऐसा लगता है कि वह इसमें शामिल पेचीदगियों से अच्छी तरह वाकिफ़ है हालांकि ये नाटक है जहां वह लड़खड़ाती है यहीं पर उसकी कमजोरियां स्पष्ट हो जाती हैं यहीं पर वह कहानीकार के रूप में अपनी छाप छोड़ने से चूक जाती है इस संबंध में उसे बहुत कुछ सीखना है मेरा मानना है कि यह एक ऐसी फिल्म थी जो जॉर्जिना कैंपबेल को उनकी पिछली फिल्म बारबेरियन से देखते समय मेरे रदा पर आई थी जैसे ही यह सामने आने के करीब आया मैंने थिएटर में एक ट्रेलर का हिस्सा देखा जिस बात ने मेरा ध्यान खींचा वह यह थी कि इसे नाइट की बेटी ईशाना श्यामलिन ने लिखा और निर्देशित किया था इसमें डकोटा कोटा फेनिंग और ओल्विन फोरे भी हैं मैंने ये शुरुआती रात थिएटर में देखी सारांश एक युवा कलाकार पश्चिमी आयरलैंड के एक विस्तृत बेदाग जंगल में फंस जाता है आश्रय पाने के बाद वह तीन अजनबियों के साथ फंस जाती है जिनका हर रात रहस्यमय जीव पीछा करते हैं हम इसकी शुरुआत जॉन एलिस्टिया ब्रैमर से करते हैं क्योंकि वह जंगल से भाग रहा है वह अपनी घड़ी की जांच करता है जब उसके पास एक माकर आता है जिस पर लिखा होता है प्वाइंट ऑफ नो रिटर्न इसके नीचे एक नंबर भी है वह भागता है लेकिन निराश हो जाता है जब आगे बढ़ने के बावजूद वह किसी तरह उस निशान पर दोगुना हो जाता है वह एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है और गिर जाता है उसके पीछे जंगल में कुछ है इसके बाद यह मीना दकोटा फैनिंग में स्थानांतरित हो जाता है वह एक पालतू जानवर की दुकान पर काम करती है हम देखते हैं कि वह एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं और परेशान भी हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें वह और अधिक मिलता जाता है वह अपनी बहन की कॉल को नजरअंदाज कर रही है उसके बॉस ने उसे एक दुर्लभ पक्षी को चिड़ियाघर ले जाने के लिए कहा यह एक दिन की ड्राइव है और वह सोचता है कि उसे कुछ समय चाहिए जिससे वह सहमत हो जाती है हालांकि जब वह सारांश से घने जंगल के माध्यम से गाड़ी चला रही होती है तो उसे एक समस्या का सामना करना पड़ता है उसकी कार अचानक खराब हो जाती है उसे वैसा ही एक माकर दिखाई देता है जैसा जॉन ने देखा था उनका मानना है कि किसी को पास में रहना चाहिए वह पक्षी को ले जाती है और उनसे मदद मांगती है जब वह अपनी कार से बहुत दूर हो जाती है तो वह गायब हो जाती है तभी उसकी मुलाकात मेडिलिन फॉरिक से होती है वह उससे पीछा करने के लिए कहती है लेकिन उसे जल्दी करनी होगी उसके पीछे जंगल में कुछ है वे इसे एक इमारत में बनाते हैं ये कंक्रीट से बना हुआ प्रतीत होता है एक तरफ दर्पण है यह एक तरफा ग्लास है जहां से कुछ भी बाहर का देखा जा सकता है मेडलिन के साथ सियारा कैंपबेल और डैनियल ओलिवर ओलिफिनिगन वहां रहते हैं सियारा ने जॉन से शादी कर ली है और वह उसके वापस आने का इंतजार कर रही है ये समूह काफी समय से यहां रह रहा है इन लकड़ियों की बात ही कुछ अलग है यह उन्हें जाने से रोकता है वहां भी कुछ है जो उन्हें खिड़की से देखता है उन्हें हर रात इसके सामने खड़ा होना पड़ता है अन्यथा जो भी उन्हें देखता है वह परेशान हो जाता है यहां नियम है अंधेरे के बाद बाहर न जाएं, रोशनी में रहें और इन बड़े छेदों से बचें जो जमीन के नीचे सुरंगों की ओर ले जाते हैं यहां कुछ शामिल करने के लिए मीना का एक परेशान अतीत है जिसके लिए वह खुद को माफ नहीं करेगी उनके अभिशाप से मुक्त होने के लिए शायद उन्हें उनकी उद्दन प्रकृति की आवश्यकता होगी यह उनके विनाश का कारण भी बन सकता है यहीं पर मैं अपना पुनर्कथन और पात्रों का परिचय छोड़ूंगा फिर मैं जहां से शुरू करूंगा वह यह है कि मुझे अंत तक यह एहसास नहीं हुआ कि यह एक किताब पर आधारित है मैं इसकी जांच करने के लिए उत्सुक हूं क्योंकि यहां समृद्ध पौराणिक कथाएं प्रतीत होती हैं इससे आगे बढ़ते हुए जब मैंने विशाल छिद्रों को देखा तो मैंने अनुमान लगाया कि प्राणी कैसा होगा मैं इसे ख़राब न करने के लिए यहां गुप्त रहूंगा लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसका उपयोग हाल ही में सिनेमा में अधिक किया जा रहा है मुझे वे पहलू पसंद हैं जो माहौल और तनाव पैदा करने के लिए बने होते हैं अब चूंकि मेरे पास वे शुरुआती विचार हैं तो मुझे इस पर और अधिक विस्तार से विचार करने दीजिए चूंकि मैंने स्रोत सामग्री नहीं पढ़ी है इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि इसमें से कितना हिस्सा किताब का है और कितना श्यामलन द्वारा किया गया कुछ है दिलचस्प बात यह है कि यह उसी तरह महसूस होता है जैसे उसके पिता ने किया होगा हमें यहाँ जो मिल रहा है वह एक परी कथा जैसा अनुभव है ऐसा महसूस होता है जैसे यह अभी भी हमारी दुनिया में है मुझे उसमें द विलेज जैसा कुछ महसूस हुआ हमारे पास ये समूह है जो अलगाव में रहने के लिए मजबूर है जबकि बाहरी दुनिया सामान्य की तरह चल रही है हमारे पात्रों को जंगल में इस संरचना में फंसाना अच्छा है ये जंगल कितना बड़ा अलगाव बढ़ा रहा है इससे एक अच्छा माहौल बनता है फिर अलौकिकता जोड़ने से वहां भी मदद मिलती है एक और चीज जो ऐसा महसूस होती है कि यह अन्य श्यामलन फिल्मों से उधार ली गई है वह टूटी हुई मुख्य भूमिका हमें पता चला कि मीना बचपन में अलंकृत थी इससे उनकी मां के साथ एक दुखद घटना घटी वह अभी भी उस अपराध बोध को मन में रखती है वह खुद को अपनी बहन से अलग कर लेती है जो चाहती है कि वह इसे जाने दे और आगे बढ़ जाए ऐसा करना कुछ कठिन होगा लेकिन उपचार होना आवश्यक है पौराणिक कथाओं को वापस लाते हुए शुरुआत में कहा गया है कि यह जंगल टूटे हुए लोगों को बुलाता है इसलिए मुझे ये पसंद है ऐसा लगभग लगता है जैसे भाग्य उसे यहाँ आने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है और उसे फंसा रहा है फैनिंग का अभिनय किरदार को जीवंत बनाने में अच्छा काम करता है ये वश में है मुझे लगता है कि उसने जो किया वह अच्छा था लेकिन यह मेरी पसंदीदा चीज नहीं है जिसमें मैंने उसे देखा है भूमिका के दौरान वह लगभग नींद में चलती हुई प्रतीत होती है हालांकि मैं नहीं जानता कि क्या मैं उसकी गलती कर सकता हूं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह जानबूझकर किया गया है फिर मैं पौराणिक कथाओं पर अपने विचार पूरे करूंगा मुझे अच्छा लगा कि मैडलिन को इस जगह के बारे में पता है वह जितना बता रही है उससे कहीं अधिक जानती है इसके कारण एक बिंदु पर डैनियल उस पर हमला कर देता है किलमार्टिन जॉन लिंच भी हैं जो एक प्रोफेसर हैं उन्होंने इस जगह का निर्माण किया इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यह उस पर आधारित है जो हम शुरुआत में जानते हैं हमारे पात्र से जितना गहराई से समझते हैं चीजें उतनी ही अधिक नापाक होती हैं मैं जो कहूंगा वह यह है कि यहाँ एक खुलासा हुआ है जिसका अनुमान मुझे उसी क्षण लग गया जब दूसरा कमरा मिल गया मुझे उसमें द विलेज जैसा कुछ महसूस हुआ हमारे पास ये समूह है जो अलगाव में रहने के लिए मजबूर है जबकि बाहरी दुनिया सामान्य की तरह चल रही है हमारे पात्रों को जंगल में इस संरचना में फंसाना अच्छा है ये जंगल कितना बड़ा अलगाव बढ़ा रहा है इससे एक अच्छा माहौल बनता है फिर अलौकिकता जोड़ने से वहां भी मदद मिलती है एक और चीज जो ऐसा महसूस होती है कि यह अन्यश्यामलन फिल्मों से उधार ली गई है वह है टूटी हुई मुख्य भूमिका हमें पता चला कि मीना बचपन में अलंकृत थी इससे उनकी माँ के साथ एक दुखद घटना घटी वह अभी भी उस अपराध बोध को मन में रखती है वह खुद को अपनी बहन से अलग कर लेती है जो चाहती है कि वह इसे जाने दे और आगे बढ़ जाए ऐसा करना कुछ कठिन होगा लेकिन उपचार होना आवश्यक है पौराणिक कथाओं को वापस लाते हुए शुरुआत में कहा गया है कि यह जंगल टूटे हुए लोगों को बुलाता है इसलिए मुझे यह पसंद है ऐसा लगभग लगता है जैसे भाग्य उसे यहाँ आने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है और उसे फंसा रहा है फैनिंग का अभिनय किरदार को जीवंत बनाने में अच्छा काम करता है ये वश में है मुझे लगता है कि उसने जो किया वह अच्छा था लेकिन यह मेरी पसंदीदा चीज नहीं है जिसमें मैंने उसे देखा है भूमिका के दौरान वह लगभग नींद में चलती हुई प्रतीत होती है हालांकि मैं नहीं जानता कि क्या मैं उसकी गलती कर सकता हूं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह जानबूझकर किया गया है फिर मैं पौराणिक कथाओं पर अपने विचार पूरे करूंगा मुझे अच्छा लगा कि मैडलिन को इस जगह के बारे में पता है वह जितना बता रही है उससे कहीं अधिक जानती है इसके कारण एक बिंदु पर डैनियल उस पर हमला कर देता है किलमार्टिन जॉन लिंच भी हैं जो एक प्रोफेसर हैं उन्होंने इस जगह का निर्माण किया इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यह उस पर आधारित है जो हम शुरुआत में जानते हैं हमारे पात्र से जितना गहराई से समझते हैं चीजें उतनी ही अधिक नापाक होती हैं मैं जो कहूंगा वह यह है कि यहां एक खुलासा हुआ है जिसका अनुमान मुझे उसी क्षण लग गया जब दूसरा कमरा मिल गया ध्वनि डिजाइन वहां काम करती है प्राणियों की चीख सुनती है और फिर अंदर की संरचना पर हमला करती है यह निश्चित रूप से मजबूत पहलुओं में से एक था अंत में मैंने सोचा कि यह एक अच्छी फिल्म थी इसके अच्छे पहलू हैं ये कहानी एक होने पर जिस पौराणिक कथा का निर्माण करती है दूसरा हमारे पात्रों के समूह को जंगल के अंदर फंसाना है जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो ये कहाँ जाता है ये ठीक था समस्या यह है कि मुझे लगता है कि हमें जो मिला है उसमें उससे कहीं अधिक है और इसमें मेरे लिए पूरी तरह से एक साथ आने के लिए कुछ कमी रह गई थी मुझे लगा कि मेरी रुचि थोड़ी कम हो गई है फैनिंग मुख्य भूमिका में ठीक थे मैंने व्यक्तिगत रूप से सोचा कि उन्हें इस तरह से किरदार निभाने के लिए कहा गया था और सहायक कलाकार थोड़ा मजबूत थे इसे सिनेमेटोग्राफी फ्रेमिंग और साउंड डिजाइन के साथ काफी अच्छी तरह से बनाया गया है मैं जो कहूंगा वह यह है कि मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक अच्छी गेटवे हॉरर फिल्म होगी मुझे लगता है कि यह अभी भी देखने लायक है वॉचिंग द वॉचर्स एक अलौकिक थ्रिलर है जो एम नाइट श्यामलन की बेटी ईशाना नाइट श्यामलन द्वारा निर्देशित है जिन्होंने सर्वेंट ओल्ड और नौ के द केबिन के सेट पर काम किया है ए एम शाइन के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म एक जादुई आयरिश जंगल बरमूडा त्रिभुज भूमि पर आधारित है जो बिना किसी मानचित्र पर दिखाई देती है फिल्म अजनबियों की एक चौकड़ी का अनुसरण करती है जिसे द कॉप के नाम से जाना जाता है जिन्हें हर रात दोतरफा दर्पण द्वारा देखा जाता है श्यामलन दुविधा को प्रभावी ढंग से समझाते हैं लेकिन अधिक विस्तार उन्मुख अनुतरित प्रश्नों पर अटक सकते हैं फिल्म में मीना डकोटा कोटा फैनिंग एक कलाकार है जिसके पास पिंजरा स्केचबुक और शैली अनिवार्य पारिवारिक सामान है उसके साथ डैनियल ओलिवा फिन्नेगन किरा जॉर्जिना कैम्बेल और मैडलिन ओल्वेन्फोरे जो बंदियों में सबसे बड़ी हैं शामिल हैं मैडलिन अनदेखे दर्शकों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करती है जैसे कि रात होने के बाद कभी भी बाहर नहीं निकलना गहरे बिलों के आसपास ताक झाँक करना जहां से पीपिंग टॉम्स निकलते हैं और कभी भी दर्पण की ओर अपनी पीठ नहीं करना फिल्म का प्रदर्शन कुछ उपस्थिति और गंभीरता के साथ एक अभिनेता के मुंह के माध्यम से प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जाता है जैसे फोयरे जो कुछ उपस्थिति और गंभीरता के साथ प्रदर्शन प्रदान करता है द वॉच एक रहस्यमय और दिलचस्प फिल्म है जो एम नाइट की द विलेज और रहस्य से भरपूर वाये सनसनी द मेज रन के तत्वों को जोड़ती है फिल्म का रहस्य और साजिश स्पष्ट है क्योंकि ईशाना दर्शकों को अंधेरे में रखती है जिससे उन्हें छाया में छिपी चीज़ों की झलक देखने का मौका मिलता है हालांकि फिल्म जांच पर खरी नहीं उतरती है और इसका आनंद ज्यादातर खुलासे में देरी करने में है न कि उन्हें उजागर करने में कथानक असंभाव्यताओं और अस्थिर प्रेरणाओं से भरा हुआ है जिसकी व्याख्या एक रूपक पाठन के रूप में की जा सकती है द कॉप एक छोटा टेलीविजन सेट जो ले ऑफ लव नामक एक क्लोज क्वार्टर रियलिटी शो के डीवीडी एपिसोड से सुसज्जित है एक मनोरंजक दो तरफा दर्पण के रूप में कार्य करता है जो एक अंधे के दर्शकों को चार अजनबियों के जीवन में एक रात की खिड़की प्रदान करता है वॉचर्स के पास अंततः वास्तविक नाटक की तुलना में अधिक पौराणिक कथाएं हैं इसका प्रेशर कुकर परिदृश्य कभी भी इच्छाशक्ति के संतोषजनक युद्ध में नहीं बदल जाता है जंगल के अपराधी बहुआयामी लोगों की तुलना में छड़ी के आंकड़ों के अधिक करीब हैं और मृत माता पिता पर नायिका का दुख माता पिता की चिंताओं को दर्शाता है जिसे बड़े श्यामलिन ने तेजी से रेखांकित किया है फैनिंग जिन्होंने ज्यादातर आंखों के माध्यम से अभिनय किया ने आंखों के माध्यम से अभिनय में अपने कौशल का प्रदर्शन किया एक कौशल जिसे उन्होंने पहली बार वॉर ऑफ़ द वर्ल्ड में प्रदर्शित किया था द वॉचर्स एक पहली थ्रिलर है जो अनदेखे वुडलैंड पर्यवेक्षकों द्वारा कैद किए गए अजनबियों के एक समूह के रहस्य पर केंद्रित है निर्देशक ईशाना नाइक श्यामलिन के पास अपनी पहली फीचर फिल्म के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण है लेकिन उनके पास अपने पिता की औपचारिक शक्ति का अभाव है फिल्म वास्तविक शिल्प और साजिश की झलक पेश करती है लेकिन बड़ी तस्वीर दर्शकों को टुकड़ों को फिर से बिखेरने के लिए मजबूर कर सकती है श्यामलिन ने नॉकेट द केबिन जैसी इसी तरह की फिल्मों के सेट पर अपने समय से रहस्य और माहौल के बारे में सबक सीखा है हालांकि जैसे जैसे द वॉचर्स एक साथ आते हैं ये कम दिलचस्प हो जाता है और इसे अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है वॉचर्स साबित करते हैं कि ईशाना नाइट शामलिन के लिए सेब वास्तव में पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता है अपने पिता के अधिकांश आउटपुट की तरह यह एक सुंदर ढंग से लगाई गई तस्वीर है जो संवाद के मामले में संघर्ष करती है ताकझांक से प्रेरित एक धीमी गति से जलने वाली थरिले के रूप में जो शुरू होती है वह अंततः हर मोड़ और मोड़ के साथ और अधिक भयानक और अधिक चौंकाने वाली होती जाती है द कोटा फैनिंग एक आरक्षित मुख्य प्रदर्शन देती है जिसे दूर करने के लिए मानक मुद्दे के आघात के साथ आता है और वह इसे एक मौन उपस्थिति के साथ काम करती है जॉर्जिना ओलिवर ओलिवोफिन्नेगन और ओलवेन फोरे सभी बहुत व्यापक स्ट्रोक में लिखे गए पात्रों के साथ अच्छा काम करते हैं ओलवेन ओल्वेनफोरेरे विशेष रूप से पहली छमाही के लिए डर की भावना बेचते हैं ईशाना नाइट श्यामलिन का निर्देशन दृश्य गतिशीलता के साथ सभी हेम प्रदर्शन को पूरा करता है इससे पहले कि यह दूसरे भाग में जंगली हो जाए एक मजबूत माहौल है जो अज्ञात के डर को बड़े प्रभाव से प्रकट करता है और यहां तक कि जब यह बाद में पटरी से उतर जाता है तब भी बोल्ड स्विंग की सराहना की जाती है एबिल की कस्कोविस की रहस्यमय प्रकृति के कारण इसे निवेशित रखता है मैंने द कोटा फैनिंग अभिनीत द वॉचर्स द इक्वलाइजर तीन ट्वाइलाइट फिल्में देखी Olvin Foray the Northman, Texas Chainsaw Narsanhar underscore 2022, Oliver Finnegan VR Lady Parts underscore TV, Outlander underscore TV और Georgina Campbell Barbarian, Krypton underscore TV. ये छोटी सी थ्रिलर पहली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन ईशाना नाइट श्यामलन ने किया है और हाँ वह नाइट श्यामलन की बेटी हैं डकोटा ने एक महिला की भूमिका निभाई है जो आयरलैंड में जंगल से यात्रा कर रही है और उसकी कार खराब हो जाती है वह मदद की तलाश में जाती है और ओलवेन को ढूंढती है जो उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है और फिर भागने लगता है डकोटा उसका पीछा करता है और वे एक इमारत में आते हैं एक बार अंदर जाने पर ओलवेन ने दरवाज़ा बंद कर दिया ओलिवर और जॉर्जीना पहले से ही इमारत में हैं क्योंकि ओलवेन ने डकोटा को समझाया कि वे रात के दौरान अंदर फंस गए हैं क्योंकि रात में जीव बाहर आते हैं दिन के दौरान चारों बाहर जा सकते हैं और भोजन या किसी अन्य चीज़ की तलाश कर सकते हैं लेकिन उन्हें सूर्यास्त तक वापस लौटना होगा ये जीव जीवरात्रिच्य हैं चारों अलग अलग समय पर इमारत में पहुंचे ओल्वेन पहले थे और सभी ने परीक्षण और त्रुटि से इन नियमों को सीखा है ऐसे अन्य लोग भी थे जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और उन्हें प्राणियों ने पकड़ लिया और फिर कभी नहीं देखा उन्होंने इसे जंगल से बाहर निकालने की कोशिश की है लेकिन अंत में वे हमेशा उसी इमारत पर पहुंच गए इमारत के एक तरफ एक दर्पण है जिससे जीव बाहर से देख सकते हैं और उन्हें बिना देखे ही देख सकते हैं स्वयं एक दोतरफा दर्पण है और जीव इमारत में नहीं जा सकते हैं अंततः आप जान जाते हैं कि इमारत किसने बनाई और वास्तव में जीव क्या है और वे क्या चाहते हैं हिंसा आतंक और भाषा के लिए इसे पीजी जी रेटिंग दी गई है और इसका चलने का समय एक घंटा बयालीस मिनट है मुझे ये पसंद आया और मैं इसे डीवीडी पर खरीदूंगा जहां तक एक अच्छी फिल्म निर्माता होने की बात है तो इशाना अपने पिता की ही नकल है द वॉचेस जिसका शीर्षक द वॉच इन यूके एंड आर है एक जंगली लकड़ी आप प्रवेश कर सकते हैं लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते लेकिन लोग कोशिश करते हैं शुरुआती सीक्वेंस में हम देखते हैं कि जॉन एलिस्टेयर ब्रैमर का पीछा किया जा रहा है और अदृश्य जीव उसे एक विशाल बिल में खींच रहे हैं मीना द कोटा फैनिंग गोल्वे में रहने वाली एक अमेरिकी है जो एक पालतू जानवर की दुकान में काम करती है वह अतीत के दुखों से परेशान है बार में जाने पर नई पहचान अपनाती है उसके मालिक ने उसे बेलफास्ट चिड़ियाघर में एक दुर्लभ तोता पहुंचाने के लिए कहा वह निकल पड़ती है लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि वह घिसे पिटे रास्ते से भटक रही है और अंततः एक जंगल में खो जाती है एक बूढ़ी औरत का पीछा करते हुए वह एक इमारत पर पहुंचती है जो बेकिटियन बनकर की तरह दिखती है महिला मेडलिन ओल्वेनफोयरे मीना को चेतावनी देती है कि अगर वह अंधेरे के बाद बाहर जाती है तो वह मौत को आमंत्रित करती है मेडलिन एक पूर्व व्याख्याता मीना को सूचित करती है कि यदि उसे और अन्य लोगों को जीवित रहना है तो कुछ नियम हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए सियारा जॉर्जिना कैम्पबेल पांच महीने से वहां है उसे उम्मीद है कि उसका पति वापस आएगा डेनियल डैनियल ओलिवफिन्यंत बनकर में अपना आठवां महीना गुजार रहा है मैडलिन लंबे समय से निवासी है एक दीवार एक प्रतिबिंबित खिड़की है चार को खड़ा होना चाहिए और कभी कभी वॉचर्स अज्ञात प्राणियों के लिए प्रदर्शन करना चाहिए जो बाहर इकट्ठा होते हैं एक अजीब लोक डरावनी कहानी एक खोई हुई जाति की किवदंतियों को सामने लाती है जो मानव निपटान से पहले थी और कुछ समय के लिए सह अस्तित्व में थी जब हम प्राणियों को देखते हैं तो वे मकड़ियों की तरह भागते हैं लेकिन ऊपर उठते हैं और लंबे मानवाकार होते हैं एक प्रोफेसर के बारे में चर्चा है जो अधिक जानते थे लेकिन अब चले गए हैं उनके पास एक टीवी और वीएचएस प्लेयर है लेकिन केवल एक रियलिटी शो का टेप है एक वाइंड अप ग्रामोफोन और फर्नीचर के कुछ सामान हैं जो बनकर को बेकेट जैसा अनुभव देते हैं विशाल बिल जिनमें खोई हुई वस्तुएं होती हैं भोजन की तलाश करनी पड़ती है कौवों को फंसाना पड़ता है सर्दियां शुरू होते ही इसका अस्तित्व अंधकार में हो जाता है जंगल खतरनाक हैं चारों ओर फैले हुए हैं लेकिन जीवित रहने के लिए उन्हें भागने का प्रयास करना होगा प्राणियों और मनुष्यों की नकल करने की उनकी क्षमता से जुड़े परेशान करने वाले दृश्य लेकिन फिर से जंगल दर्पण वाली खिड़की और आपूर्ति की कमी आतंक में एक अस्तित्वगत तत्व जोड़ते हैं फौरे और फैनिंग का प्रदर्शन विशेष रूप से अच्छा रहा कथानक में कुछ दिलचस्प मोड़ हैं जिनका मैं खुलासा नहीं करूंगा और यह सबसे अच्छा होगा कि मैं नियमों को भी गुप्त रखूं एक बहुत अच्छी लोक हॉरर फिल्म ईशाना नाइट श्यामलन द्वारा लिखित और निर्देशित उनकी पहली निर्देशित फिल्म एम नाइट श्यामलन द्वारा निर्मित ए एम शाइन के इसी नाम के दो उपन्यास पर आधारित है आठ बटा दस तो इसके कुछ पूर्वावलोकन देखने के बाद और निश्चित रूप से इस फिल्म को बनाने वाली लड़की का उपनाम देखकर मुझे पता था कि यह उन प्रकार की भयावहताओं में से एक होने वाली थी एक युवा कलाकार पश्चिमी आयरलैंड के एक विशाल बेदाग जंगल में फंस जाती है जहां आश्रय पाने के बाद वह हर रात रहस्यमय प्राणियों द्वारा पीछा किए जाने वाले तीन अर्जनबियों के साथ फंस जाती है मुझे फिल्म ठीक लगी यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं दोबारा देखूंगा किसी को इसकी अनुशंसा करने में कोई आपत्ति नहीं है ये धीमी गति से चलने वाली हॉरफ फिल्म है जो एक उपन्यास के रूप में बेहतर काम करती है ये फिल्म उसी उपन्यास पर आधारित है और इसे देखना काफी कठिन है कहानी अलग है और मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं अनोखी है लेकिन यह इसे ख़त्म नहीं करती है और तीसरा भाग आते आते काफ़ी उलझी हुई और हर जगह बिखर जाती है किरदार काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं सेटिंग काफ़ी सुखद है और कमी के बावजूद औरत ठीक ठाक है फिल्म वहां से बाहर है लेकिन अपनी भलाई के लिए वहां से बाहर भी है आप कुछ भी मूल्यवान या दूर से डरावनी चीज देखते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो यह वास्तव में वर्ष का भुगतान नहीं है यदि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है शरीर की गिनती के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं है किसी भी प्रकार के खून या खून की तो बात ही छोड़ दीजिए जो यहां गंभीर रूप से दुर्लभ है द वॉचर्स के दृश्य बुरे नहीं थे लेकिन बिल्कुल डरावने या इतने भयावह भी नहीं थे रनटाइम एक घंटा और पैंतीस मिनट लंबा है और इसकी गति खराब है विशेष रूप से अंत के पास जहां ये लगातार चलती रहती है अंत अभी अभी आया है और इसकी व्याख्या न तो दिलचस्प है और न ही दिलचस्प है तथ्य यह है कि अंत में केवल महिलाएं ही जीवित बची ये सामान्य है लेकिन ये केवल चोट पर नमक छिड़कने जैसा था क्योंकि ईमानदारी से कहें तो फिल्म बहुत खराब थी थोड़े से आकर्षण और थोड़े डर के अलावा हमें जो मिला लेकिन इसे बचाने के लिए यह एक चौथाई के करीब भी नहीं था कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि लेखिका निर्देशक और निर्माता अपने पिता की देखभाल करती हैं ये फिल्म काफी हद तक वैसी ही है जैसी वह निर्देशित करेंगे लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है क्योंकि उनकी फिल्में मुझे काफी पसंद आती हैं और बहुत ज्यादा पसंद आती हैं यदि आप जाते हैं और इसे देखते हैं तो इससे अधिक, अधिक अपेक्षा न करें इसमें ज्यादा पुलिस नहीं है और आप मेरी तरह बोर हो जाएंगे इस फिल्म में कुछ सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल आश्चर्यजनक है श्वे जहां मिलना चाहिए डकोटा एक भयानक पटकथा के साथ बहुत अच्छा काम करता है अफसोस की बात है कि अप्राकृतिक संवाद अनावश्यक प्रदर्शन कथानक की खामियों और बाकी कलाकारों के खराब अभिनय से भरी फिल्म में उनका प्रदर्शन ही एकमात्र राहत देने वाली चीज़ है सारांश द वॉचर्स अट्ठाईस वर्षीय कलाकार मीना का अनुसरण करता है जो पश्चिमी आयरलैंड के एक विशाल अछूते जंगल में फंस जाती है जब मीना को आश्रय मिलता है तो वह अनजाने में तीन एजेंडियों के साथ फंस जाती है जिन पर हर रात रहस्यमय जीव नजर रखते हैं और उनका पीछा करते हैं भयानक मनोदशा पर भारी लेकिन एक स्पष्ट स्क्रिप्ट द्वारा पूर्ववत द वॉचर्स केवल इतने समय तक टकटकी तक तक लगाए रख सकते हैं जब तक कि नीरसता शुरू न हो जाए वे सभी रातें जो इशाना नाइट शामलिन ने आयरिश लोक ए एम शाइन के उपन्यास से परे यानी को पढ़ने में